गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? हाँ भाई, आजकल तो बड़ा शादियों वादियों में जाना आना हो रहा है, बड़ी दावतें, बड़ा एक कल मैं एकदम निकली मेन शॉपिंग की तरफ, तो मैंने देखा कि पूरा जग मगा रहा था कराची, और बाज़ार वैसे ही खुले हुए थे जैसे पहले थे, और इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि शुक्र है कोरोना जा रहा है और हम अब बहुत ही सुकून से बाहर निकल पा रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ हमारी वापसी हो रही है, और शादी ब्याह की तैयारियां हर तरफ खुशी की खबर सुनने को मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फलानी की शादी है, फलाना का इनविटेशन है, और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है सबकी शादियां अटेंड करने में। अच्छा, वैसे किसी और की शादी जाने की एक्साइटमेंट शायद उतनी नहीं होती जितनी जब आपके अपने घर में हो, आपके अपनी करीबी रिश्तेदार की शादी हो, तो उसकी एक्साइटमेंट का कोई और ही फेज़ होता है, बड़ा मज़ा आता है, ढोलकियाँ होती हैं, सारी तैयारियाँ होती हैं। अच्छा, कुछ रिश्तेदार जो है वो आपको फाइनेंशियल करते हैं कि भाई हाँ भी फ्रिज तुम नहीं लेना, फ्रिज हम देंगे हमारी तरफ से, हाँ भी जो चूड़ियों का सेट है ना वो हम देंगे, जो इमीडिएट आपकी फैमिली होती है, गीज़र हमसे ले लेना, डिनर सेट हम दे देंगे, तो इस तरह वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए पहले से बता देते हैं कि डबलिंग ना हो एक तो गिफ्ट की, और कुछ रिश्तेदार जो हैं वो अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं, कार्ड मैं बांटने जाऊँगा, अरे आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पूरा डेकोरेशन मैं खड़े होकर खुद करवाऊँगा, अरे खाने का तो मसला ही नहीं है, केटरिंग वालों से तो मेरी ज़बरदस्त दोस्ती है, मैं डिस्काउंट भी करा दूँगा, और मैं खाना भी पूरा मैं ही पूरा देखूँगा, और मैं दुल्हन के साथ चली जाऊँगी सैलॉन, जिसकी जो इस्तेदात होती है वो उसके हिसाब से उस फैमिली की, जहाँ शादी का जो शादी का घर होता है वो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है, और इसको हम टीम वर्क कहते हैं। आप कभी भी एक बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारियां नहीं डाल सकते, आपने पूरे घर ने जिम्मेदारियां बांटी हुई होती हैं, और इसी को कहते हैं एक शादी वाला घर। लेकिन एक्चुअली जो दुल्हन होती है, ख़ास तौर पे आजकल की दुल्हन है, वो बड़ी कॉन्शियस हो गई है अपनी तस्वीरों के लिए, अपनी लुक्स को लेकर, उनको कैसे कपड़े चाहिए, उनको कैसी लुक चाहिए, उनको कैसा बैकग्राउंड चाहिए, कैसा स्टेज का सेटअप चाहिए, क्या दुल्हा के कपड़े वैसे हैं कॉन्ट्रास्ट, या कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड कपड़े जो हैं वो चाहिए। आजकल की दुल्हनों को थोड़ा सा, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं, कि उनको बड़ी अपनी तैयारी जो है ना वो परफेक्ट चाहिए होती है। अब आई डोंट नो, मैंने अक्सर देखा जब मैं सैलॉन्स में सर्विसेज लेने जाती हूँ तो वहाँ लड़कियाँ आई भी होती हैं, प्लीज़ हम ब्राइड्स को देख सकते हैं, वो आके बकायदा रियल ब्राइड्स को, तस्वीरों से हटकर रियल ब्राइड्स को जाके देखती हैं, पूरा एक सर्वे करती हैं आजकल, और उसके बाद अपनी बुकिंग उस सैलॉन पे करा रही होती हैं। तो आज हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं उनके लिए, ख़ास ब्राइड्स के लिए, कि अगर उनकी जो शादी की डेट्स है वो नज़दीक है या अगले साल है या उससे भी अगले साल है, तो उनको एक तरह का विंडो शॉपिंग सॉर्ट ऑफ मिल सकती है इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि आज हम आपको माइयो, मेहंदी, बारात, वलीमा की मुख्तलिफ लुक्स अंडर वन रूफ दिखा रहे हैं, और इतना मज़े का, इतना चटपटा, इतना पटाखे वाला शो होने वाला है, वैसे ही अच्छा लगता है। मैं तो किसी शादी में जाती हूँ तो आई डोंट नो मुझे दुल्हन को देख के इतना अच्छा लगता है, मैं किसी मेहंदी में जाती हूँ तो दुल्हन दुल्हा की एक्टिविटीज़, उनका हल्का फुल्का डांस, वो देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, और मुझे मज़ा आता है ऐसी शादियों में जाने में जहाँ बाकायदा तैयारी होती है, खाना कैसा भी हो लेकिन मुझे तैयारी होती है, जो मेडलेज होते हैं वो दुल्हन का की एंट्री, रुखसती, वो सारी चीज़ें जब बहुत ही तमीज़ और तहजीब से हुई भी होती हैं, बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं सब लोग। तो आइए आपको भी इन्जॉय कराते हैं, शो तो आप इन्जॉय करेंगे ही, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया की महंगी तरीन दावत, जो पूरी सेट की गई, आज तक महंगी तरीन है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, जैसे कि रोज़ वादा करती हूँ आपसे कि ये ढाई घंटे आपके लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होंगे, आज इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और वो वाले मज़े जो आपको एक्चुअली शाम में, रात में खुद की तैयारी करने के बाद मिलते हैं, यानी प्यारी खूबसूरत दुल्हने देखने के, अपने रिलेटिव से मिलने के, और वो खाना खाने का बस नहीं मिलेगा मौका सुबह सुबह, वरना मैं आपको पूरी एंटरटेनमेंट सुबह सुबह फराहम करूँगी, और सबसे मज़े की बात ये होगी कि आपको खुद को तैयार नहीं होना पड़ेगा, आप घर बैठे ही सारी
एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आज के शो से। जीत आज मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सेट सजा हुआ है हल्का, मैं भी थोड़ी सजी सजाई हूँ। आज हम आपको मिलवा रहे हैं दो ऐसी बहनों से जिनके पास आप खूबसूरत बनने जाते हैं, जिनके पास आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जाते हैं। और ये दोनों बहनें भी इन्होंने अपना जो करियर का आगाज़ है, ये जो अपने काम का आगाज़ है, बड़ी सच्चाई से किया। और एक ब्रांच इनकी सलोन की DHA में है, और एक ब्रांच गुलिस्तान है जौहर में है, और एक और ब्रांच अभी नई ओपन होने वाली है। मेरे पास आज यहाँ मौजूद होंगी सेलिब्रिटीज़ और मॉडल्स के साथ सना उमेर एंड सारा जुनेस फ्रॉम सना सारा सलोन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे अब तो हम मिल सकते हैं, अब तो रौनक आ गई है। प्लीज हैव अच्छा दोनों आप दोनों इकट्ठे एक दफा पहले आए हैं मेरे शो पे। अकेले तो सना जो है तो अब मुझे याद ये था कि आप छोटी बहन है, सना बड़ी बहन है, या सना छोटी बहन है? आपको सही याद है, सही याद है। तो कब आ रहा मैं? तो अगर हम एक दफा दोबारा से लोगों को बताते हैं सना सारा सलोन के बारे में कि कब से आप लोगों ने शुरू किया, कौन से ब्रांच पहली दफा खोली थी DHA वाली या ग्रोसारी जोहर वाली, तो उस पर हम जरा बात करके फिर आगे बढ़ते हैं शो। अच्छा, फर्स्ट तो इंटरेस्ट हमेशा से मेरा तो हमेशा से इंटरेस्ट मेकअप में था, बट एज लाइक अम्मी और पेरेंट्स का होता था कि फर्स्ट एजुकेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है करो। सो मैंने और सारा ने MBA किया, शी वॉज वन ईयर यंगर देन जूनियर देन मी। हम दोनों MBA मार्केटिंग किया और मैट्रिक साइंस से, एंड देन इंटर सेंट जॉर्ज से किया, एंड देन फिर MBA किया। उसके बाद वी स्टार्टेड अ जॉब, तो जब जॉब की टाइम आया था सो आई वाज थॉट ऑफ कि आई हैव टू डू समथिंग इन फील्ड ऑफ मेकअप। तो मैंने MBA के बाद जो अपनी फर्स्ट जॉब अप्लाई की थी वो कॉस्मेटिक कंपनी है पाकिस्तान में, एक अकलौती यस सेंसेशन, तो वहाँ पे जाके मैंने की। तो मैंने वहाँ पे की बिकॉज मुझे जॉब नहीं करनी थी, तो मैं वहाँ पे आके गई हूँ। तो फर्स्ट वो में ही मेरी सिलेक्शन हो गई थी एंड आई वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड मैनेजर। फिर नेक्स्ट ईयर सारा ने भी हमें वहीं पे ज्वाइन किया। अच्छा, एंड देन आई छोटी बहन जिस तरह से फॉलो फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एंड देन फिर ब्रांड मैनेजर के तौर पे मैंने आई हैव सर्व्ड जस्ट दैट कंपनी फॉर अराउंड 4 years। तो एक्सपीरियंस आ गया थोड़ा, मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, परफ्यूम्स, ये वो सारी। उसके बाद एक अच्छी चीज ये हुई थी कि हमारी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आई थी, जितनी भी फ्रेंच ब्रांड्स थी उसके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हेड फॉर पाकिस्तान चाहिए था उन्हें। सो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड मुझे प्रमोशन मिली, और उस प्रमोशन का फायदा हुआ कि मतलब इंटरनेशनली पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला, और हर जगह जा जाके आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान, फिर वहाँ से प्रोडक्ट की और सेल्स की ट्रेनिंग होती है, और सारे मेकअप आर्टिस्ट जितने भी वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट थे वो हर ब्रांड अपनी बुलाती थी, एंड देन वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराते थे। फिर सारा भी मेरे साथ आई, सो वी डिड जॉब ओवर देयर फॉर अराउंड 6 years, एंड देन वी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ आवर ओन। तो फिर वो जो माइंड में आया सो फिर हमने डिसाइड किया कुछ करते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारा माइंड में नहीं था बिकॉज पाकिस्तान में बड़ा कलर्ड मेकअप फैशन में था, तो हम लोग सारा में ये कहते थे, हमने जहाँ से सीखा है बाहर से वो होता है कि सब कुछ लगा देते हैं लेकिन वो नो मेकअप लुक आती है, बहुत न्यूट्रलाइज्ड सॉर्ट ऑफ मेकअप, बहुत न्यूट्रल नेकेड आई से भी आप देखिए अक्सर लगता है कुछ नहीं किया हुआ, हाँ कि लगता है कि बहुत प्यारी दुल्हन है, बड़ा अच्छा है लेकिन थुपा हुआ नहीं है, वो वाला एक इम्पैक्ट। अच्छा, कितना अर्सा हो गया सना सारा सलोन को ओपन हुए हुए? पहले DHA से शुरू किया था या गुलिस्तान जौहर से शुरू किया? पहले हमने शुरू किया था बिकॉज मैं भी जॉब करी थी, सारा भी करी थी, तो जौहर में अम्मी अबू रहते थे। अच्छा। तो ऊपर का उनका फ्लोर खाली था तो अम्मी ऑफर भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड यू नो, सो वी आर डूइंग जॉब, हमने ऐसे सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ आवर ओन, लेकिन फिर उस वक्त ऑब्वियसली आइडिया नहीं था, तो अम्मी ने कहा ऊपर का घर खाली कर लो, पर हमने भी नहीं सोचा था, हमने कहा हम इतना नेचुरल करते हैं कि कोई प्रेफर नहीं करेगा, यहाँ पे तो सबको कलर एप्लीकेशन चाहिए होता है, मैचिंग कलर्स एंड ऑल। बट सरप्राइजिंगली व्हेन वी स्टार्ट ऑफ वी रियली डिडंट हैव एनी आइडिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस विल बी, एग्जैक्टली। फिर होते होते आई थिंक विद इन अ ईयर इसने भी जॉब छोड़ी, फिर मैंने भी जॉब छोड़ी, फिर हमने फुल टाइम। उसका एक आई पर्सनली थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमने एक तो मेहनत बहुत की, मेहनत सभी करते हैं आई बिलीव, बट वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द ब्रांड्स, हम सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स के ही साथ हमने स्टार्ट किया अपना काम, और जो भी हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं सारी हाई एंड यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारी बैकग्राउंड हमारा उसी का था, हमें पता है कि हम बातों से ज्यादा हम दिखाने में बिलीव रखते, और यहाँ हमारी बहुत प्यारी सेलिब्रिटीज़ जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए आपको मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं, ये सच सवर के इतने प्यारे लगते हैं। इनकी इत्तेफाक ऐसा हुआ है
कि दो इसमें से मैरिड है ऑलरेडी और दो एक जो है उनकी अभी नहीं शादी हुई, लेकिन एक दवा से दोबारा से वो कहते हैं ना कि रिवर्स उसमें चले गए हैं और हमने सेलिब्रिटी जो तैयार की है सारा और सना ने मिल के वो मेहंदी सेलिब्रिटी मैं अब आपको दिखा रही हूँ। मेहंदी अटायर में इस वक्त मौजूद होंगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस सरा अज़हर, आइए वेलकम करते हैं। ये बात सही कहते हैं कि जो बच्चियाँ मेकअप नहीं करती जब वो दुल्हन बनती है तो उनके ऊपर अलग ही रूप आता है, तो इसका शुमार उस बच्ची में होता है जो बिल्कुल मैंने तो जनरली अपनी शादी पे नहीं किया तो थैंक यू आपने मतलब लेकिन शुक्र है कि लाइक कोई रंग बरंगा वो वाला नहीं, बड़ा एक स्टाइलिश बड़ा क्लासी आंखों का जो तुम्हारा लुक दिया है बिल्कुल नीचे से बिल्कुल वो उन्होंने बिल्कुल डार्क नहीं किया, इट्स ऑल प्लेन इट्स ऑल नाइस इट्स ऑल प्रीटी ब्राइडल लुक भी आ रही है और वो भी नहीं आ रहा कि बच्चियां परेशान हो जाती ना हमारी शक्ल तो नहीं बदल गई मेकअप के बाद, तो मेहंदी लुक हमारे पास सिरा की शक्ल में मौजूद है और मुश्किल होता है कि मेकअप करके जरा सा कैरी करना उसको आई थिंक अब आदत हो गई है अब आदत हो गई है यस ड्रामा में इतना कर चुकी है अब आदत हो गई है तो ड्रामा में गिनती की कितनी दफा सिरा दुल्हन बनी है Right? इसलिए मैं अपनी शादी में दुल्हन नहीं बनी है देखो क्योंकि ड्रामा में इतनी दफा बनना पड़ता है ना दुल्हन, प्लीज हैव अ सीट, ये हमारे पास मेहंदी लुक है। हम आपको अभी सारी लुक्स दिखाने के बाद फिर आपको आइडियाज देंगे सना सारा कि आप अपनी माई लुक कैसे डिजाइन कर सकती हैं, आप अपनी मेहंदी लुक और कैसे कैसे डिजाइन कर सकती हैं, ब्राइडल वलीमा ये सारी आइडियाज हम आपको आज दे रहे हैं, तो आपको एक वो विंडो शॉपिंग वाली चीज मिल जाएगी, मतलब ये शॉपिंग ही होती है ना आज आपके पास जब लड़कियां आती होंगी तो वो आके देखती होंगी ना ब्राइड्स को किसने वो मैंने ब्राइड्स को देखना इजाजत होती है बिल्कुल हम लाइव ब्राइड शो करते हैं हां दोनों ब्रांचेस पे अपनी एंड वी वांट रियली वांट आवर कस्टमर्स कि वो सारी लाइव ब्राइड्स को देखें बिकॉज अटायर वाइज ज्वेलरी वाइज फेस स्ट्रक्चर वाइज मेकअप जो है वो डिफर कर रहा होता है हमारा। अच्छा अब मैं सबको बुला लेती हूं यहां पे और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि इनमें इनके ऊपर जो बेस जाहिर है हर फेस के लिए अलग क्वालिटी की बेस अलग ब्रांड की बेस आप लोगों को तो ये पता है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप बिल्कुल स्किन टाइप के साथ। अब जो मैं नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी बुला रही हूँ इनको पता नहीं क्यों सारे ड्रामों में बेचारी कैरेक्टर्स मिलते हैं, मासूम तो वह है ये तो मुझे असल में पता है लेकिन भाई कभी कोई पटाखा कैरेक्टर किया है कि नहीं असल जिंदगी में जो इतनी लड़की पटाखा है आइए उनसे जानते हैं और वो आपको नजर आएंगी ब्राइडल अटायर में। पता नहीं लड़कियों को छोटी होती हैं तो उनको दुल्हन बनने का बड़ा शौक होता है मगर वो जब असल में दुल्हन बन जाती है फिर वो कहती है हाय अच्छा हम दोबारा दुल्हन बन रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि अपनी जिंदगी में कितनी दफा ड्रामों में दुल्हन बनी है। आइए वेलकम करते हैं फातिमा अफंदी एज सारा सारा सना सारा ब्राइडल अटायर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल असल जिंदगी में पटाखा आप मुझे पता है पटाखा है और क्या प्लीज बैठो हाँ जी तो तुम्हें तुम्हारा अपनी रियल शादी में क्या लुक था याद है तुम्हें लाइक मुझे याद है मैं से पूछ रही हूं कितने साल हो गए मैंने बहुत सटल रखा था। अच्छा बारात जो थी मेरी बिकॉज मेरी शादी बहुत जल्दी में हुई थी कोई 8-9 दिन में डिसाइड होने के बाद तो जो मेरे बारात था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसके पिक्चर्स मैंने कहीं शेयर नहीं की। चलो तुम यहाँ फोटोशूट हम करवा देंगे तुम्हारा और जो हमारा वलीमा था बेसिकली हमने वलीमा थोड़ा ग्रैंड रखा था वो जैसे शलीमा टाइप बारात वॉज वेरी शलीमा अब जो शलीमा आ गया उस वक्त था कि बारात वलीमा तो उसका जो लुक था वो मुझे अच्छा लगा था वो मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया था अपना वो क्योंकि मैंने देखा फातिमा जब कोई और मेकअप नहीं की होती तो उसके ऊपर रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत पसंद है वाइब्रेंट कलर्स जैसा आपने आज लगाया हुआ है पटाखा हाँ मुझे ऐसे कलर्स बहुत पसंद है रेड मरून और ये जो वाइब्रेंट पिंक होता है इनका जब हम मेकअप कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था मुझे लगता है फातिमा के माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट फीचर्स हैं और सिंस वो रेड जो है वो लिप कैरी करती रहती है तो मुझे लगा जब हम आईज पे थोड़ा फोकस करें कॉन्टोर पे फोकस करें तो लेट्स गो फॉर यू नो सटल सॉफ्ट लिप्स ताकि हम थोड़ा सा एक चेंज लुक दें। वैसे भी जो रेड लिप कलर्स हैं वो जो नॉर्मल लाइट कलर के ड्रेसेस हैं जैसे इनका उस पर ज़्यादा अच्छा ज़्यादा एग्जैक्टली जो रेड कपड़े होते हैं उसके ऊपर रेड
कम ही सूट करता है। आजकल तो ट्रेंडिंग ये है कि आजकल लड़कियां भी सॉफ्ट कलर मांग रही हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ब्राइड अगर आप जरूरी है कि आप ब्राइड अच्छा लगता है, बट लाइक टू बी डिफरेंट आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। आजकल लड़कियां आपके ज्वेलरी, आपके ड्रेस ऑलरेडी सब चीजें बहुत हैवी होती है, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर ये होता है कि आप यंग लगने का भी वो एक प्रेशर होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हो तो वो लड़के से बड़ी छोटा लग रहा है। एग्जैक्टली एक बड़ी मजेदार जो चीज मुझे नजर आ रही है, लाइक जब मेरी शादी का जमाना था उस वक्त मैंने वो नहीं होते थे गजरे, जो नहीं होते थे जो इंडियन फिल्मों में लगाती थी रेखा टाइप, नहीं वो मोतिया वो लगाते थे हम, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है जमाना। शादी पे भी मैंने मंगाया था, वो कुछ गलत सा आ गया था, लेकिन इमरजेंसी में वो लपेट के निकल पड़ी। लेकिन आप जैसे तुम्हारे बाल जो बनाए हैं वो एक मॉडर्न टूल वगैरह लगा के एक इम्पैक्ट दिया है, तो आपको बहुत डिफरेंट आइडियाज आज हमारे शो पे देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट लुक हम आपको अटायर दिखा रहे हैं वो वलीमा लुक, और वलीमे पे भी बड़े लोग समझ नहीं आ रही होती, उनको यही लग रहा होता है अच्छी जी शादी पे रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, वलीमे पे डार्क आइज कर लेते हैं, मगर उसके अलावा भी और क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं आज के पूरे शो में बेसिकली आपको सना सारा गाइडलाइंस देंगी, हेल्प आउट करेंगे। आइए वेलकम करते हैं अगली जो हमारी वलीमा अटायर की ब्राइड है। ये तो ऐसा लगता है कि चेहरा मॉडलिंग के लिए ही बना हुआ है ना, इनकी आंखें और नाक, और मैं कहती हूँ कि लाइक ये मेकअप के बगैर भी सॉफ्ट मेकअप करती है तो भी ऐसा लगता है ग्लैमरस चेहरा लेके पैदा हुई है। मतलब इसके बारे में होना चाहिए था, जब मैं पैदा हुई तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कुछ अलग है ये तो कुछ अलग है, और वाकई ये कुछ अलग है। ये हर लुक को बहुत अच्छा कैरी करती है, ड्रामों में तो आपने इन्हें देखा ही होगा, और बहुत सारी दफ़ा दुल्हन बने भी देखा है क्योंकि बहुत प्यारी दुल्हन बनती है। आइए वेलकम करते हैं वलीमा अटायर में सुजैन फातिमा। इतनी दफा मेकअप कर लिया, अच्छा ड्रामे में भी हम लोग को दिखाया जाता की अनमैरिड है, फिर मंगनी, फिर शादी, फिर ब्राइडल शूट्स, फिर फैशन शूट्स, इतने कर लिए हैं, तो मैंने कहा अच्छा जब रियल में बनूंगी आई डोंट नो पता नहीं क्या लुक आएगा या कैसा फीलिंग आएगा। सारा की स्ट्रेटजी ऑफ करेगा, नो उन नथिंग। चलो बैठ जाओ। हाँ प्लीज। लेकिन जो अपनी रियल शादी पे तैयारी की खुशी होती है और जो स्ट्रेस होता है ना कि मैं कैसी लगूंगी, वो ड्रामास में वो नहीं होता। अच्छा, और अंदर से ग्लो ही अलग होता है, जबकि आप ढोलकियों में इसमें जाप कर चुके होते हैं, चुके होते हैं, पर स्टिल वो ग्लो होता है, दैट्स ट्रू। या कहते हैं ना रौनक आती है, मगर अगर पसंद की शादी हो, अगर जबरदस्ती की हो, अट्टे सट्टे की हो, फिर नहीं, तो फिर नहीं। और एक वो भी प्रेशर होता है, शर्माना है। मुझे तो कमेंट ने कहा तुमने ना शर्माना है। मैंने कहा अच्छा मैं अभी शर्माऊं, फिर उसके बाद बारात तक तो मैं शर्माई, वलीमे पे तो मैं लहंगा उठा के तुम आओ फोटो फोटोज रहती है इंदिरा फैमिली पे इस तरह बुला रही। ओह माय गॉड। अच्छा अगर हम यहाँ से शुरू करते सुजैन के वलीमे, अगर हम देखें तो सुजैन की आपने काजल भी दिया हुआ है और हल्का स्मोकी भी किया हुआ है स्मोकी, लेकिन वेरी सटल सुजैन सुजैन लग रही है, कोई और नाम नहीं मैं ऐड कर रही, फातिमा इसका सरनेम में खाली फातिमा नहीं लग रही। What we do at Sana Saraz is, एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि we use all high end brand, we are not compromising on anything. Secondly, हमारा जो फोकस होता है वो फीचर्स को एनहेंस करने पे होता है, रादर आप मेकअप करके आप बड़ा बना दें, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वही करेंगे। अब जिस तरह से आपने डिस्कस किया कि इनके फीचर्स बहुत मॉडल वाले हैं, तो हमने इनको बहुत सॉफ्ट सटल स्मोकी आइज दिए हैं, और जस्ट टू बी नो डिफरेंट, हर एक को हमने डिफरेंट वेरिएशन दी, और आगे भी जो हम लाइव मेकअप्स करेंगे उसमें हम रेड स्पाउट्स पे भी जाएंगे, हम कोरल पिंक्स पे भी जाएंगे, तो वेरिएशन के हिसाब से हमने डिफरेंट लुक्स दिए हैं। वी एक्चुअली थॉट, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है जो कि हकीकत है जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, दैट इज
कि मेकअप इज फीचर करेक्शन बेसिकली, इट्स नॉट कलर एप्लीकेशन. जो आपने ड्रेस का कलर मैचिंग आई शेड उठा के, कुछ ब्राइड्स आती हूँ कहती है हमें शॉकिंग पिंक रेड, मैं और सर मेरे नहीं 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 प्लीज, हम उनको ना समझाना शुरू हो जाते हैं क्लास के, आप अपने साथ से हमारा भी नाम लेके जा रही है. हमारी अम्मी के जमाने में होता था ना पिंक और फिरोजी शरारा है, तो आंखों पे भी पिंक और फिरोजी. अभी भी ऐसा बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है कि दे नीड एवरीथिंग वेरी लाउड, कि अगर उन्हें पेमेंट किए तो दे वांट कि आईज भी डार्क हो और लिप्स भी डार्क हो और एक पैसा नजर आए आंख नाक. एग्जैक्टली, ये मजाक नहीं, दिस इज रियलिटी. तो आप लोगों में फिर हम उनको ये होते हैं ऑब्वियसली डिफिकल्ट है बिकॉज हमारा नाम भी साथ जाता है, उनको समझाते हैं कि देखिए आपके फेस पे हर फेस में लता ने कोई चीजें बहुत अच्छी बताई. आज हम प्रॉपरली समझाएंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको बेसिक से शुरू करेंगे मायो लुक से, क्योंकि मायो की भी लुक बहुत मैटर करती है. आजकल बड़े फंक्शंस होते हैं, लाइट आपके ऊपर पड़ी होती है. हमारे ज़माने में मतलब इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन हम तो मुंह धो के बैठ गए थे, बाद में जो तस्वीरें आई तो अरे हल्के नज़र आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है. तो कैसे नो मेकअप लुक माइयों में दिया जाए कि आप फ्रेश लगें, आपकी स्किन ग्लो करे, ये हम आपको सिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए इंजॉय करें अपनी सुबह हमारे साथ. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सना सारा सैलून से आपको बहुत सारी टिप्स मशवरे मिल रहे हैं और इस वक्त ये दोनों आपको दिखा रही हैं मेहंदी मायो. अगर आप साथ रख रहे हैं तो वो अटायर, मेहंदी का मेकअप कैसा हो सकता है. हमारे साथ तीन सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, सुजैन, फातिमा एंड सिरा, और ये मतलब ये डिफरेंट अटायर में हमारे पास है. वैसे कभी ये कुछ बन के आती नहीं कुछ, आज हमने इनको दुल्हनों के रूप में आपके सामने ले आए, लेकिन हम लोग एंटरटेनर्स हैं भाई, साफ बात ये है कि वो वाली चीज़ है. बार बार हमें मौका नहीं मिलता सिरा, फातिमा और सुजैन को दुल्हन के अटायर में देखने का, आज हमें मौका मिल रहा था, देख ले दिल भर के. अच्छा जी, अगर हम यहाँ से शुरू करते कि मेकअप कर रहे हैं आप लोग, तो एक मेहंदी लुक एक हम यहाँ दिखा रहे हैं. इसका मेकअप शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मायो अगर घर घर में रखना है, ठीक है, तो बेस आप कौन सी ब्रांड की और किस तरह की बेस की रिकमेंडेशन देंगे कि भाई हम वो यूज़ करेंगे. घर पे है, आपकी कम गैदरिंग है, तो वन हैज लुक वेरी नेचुरल आई बिलीव. उसमें तो आप बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, राइट? आपको बहुत लेस कवरेज चाहिए. अच्छा, बीबी क्रीम यूज की फिर उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? आप सिर्फ अपनी कलर करेक्शन के लिए अपनी कवरेज दे सकते हैं, थोड़ा डार्क सर्कल्स अपना. एग्जैक्टली, फिर उसके बाद आप सॉफ्ट कवरेज के लिए आप बीबी क्रीम किसी भी हाई एंड ब्रांड की, आप लैनकॉम ले लो, आप वाइसल ले लो, क्लारेंस ले लो, किसी भी आप अच्छी जो हाई एंड ब्रांड्स हैं उनके आप बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज आजकल मुझे लगता है लड़कियां बहुत पर्टिकुलर हुई रिगार्डिंग देयर बेस ना, उनको बहुत सॉफ्ट बहुत ड्यू लुक चाहिए, सेंस उनकी गैदरिंग भी अगर कम है तो उनको लगता है उनको फेस भी करना होता है बहुत. मैं अगर आपकी भी देख रही हूँ ऐसे नेकेड आई से, क्योंकि सिर्फ ज़ाहिर है मेकअप आप सिर्फ ब्राइड्स के तो नहीं करते होंगे, ब्राइड्स की बहन, अम्मी, कज़न वगैरह सबके, तो मैं जब आपकी भी देख रही हूँ तो वो एक बड़ी नेचुरल सी बेस है जो आप आई थिंक दोपहर के इवेंट में भी कैरी कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं. उसमें ये होते हैं हमारे पास इवन जो पार्टी मेकअप्स आते हैं, सबसे पहले तो उनका हम कंसल्टेशन करते हैं उनको किस तरह की लुक चाहिए, ओवरऑल लुक हैवी चाहिए, ड्रामेटिक चाहिए, सॉफ्ट चाहिए. और फॉर मी एंड सना, हम पर्सनली अपने पार्टी मेकअप्स को ये सजेस्ट करते हैं कि वो भी बहुत सॉफ्ट कवरेज पे जाएं, बिकॉज उनको लोगों से इन पर्सनल बहुत करीब से मिलना होता है, तो जब वो करीब से लोग मिलते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ लगाया हुआ है, तो बहुत वो फेक लगता है. तो मुझे लगता है कि हम उस पार्टी मेकअप की लुक तक हमें बहुत सॉफ्ट कवरेज पे, ब्राइड्स को हम थोड़ा सा हैवी पे जा सकते हैं, उनका फूड सेशन हो रहा होता है, उनके उनके ऊपर लाइट्स पड़ रही होती हैं. बट कमिंग बैक, इसके ऊपर आप क्या बेस यूज करेंगी? इसके ऊपर मैं आपको प्रोसीजर सारा बताऊंगी. हमने इनकी स्किन प्रेप की हुई, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्किन प्रेप. स्किन प्रेप में सबसे पहले हमने क्लारेंस का ब्यूटी फ्लैश बाम हमने लगा के इनको छोड़ दिया था. आपके पास वो चीजें हैं? जी, वो मैंने लगा के रख दिया है. अब मैं नेक्स्ट स्टेप से जो है वो मैं बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं उसको. हमने 15-20 मिनट्स हमें टाइम हो गया इतना आए हुए, तो वो पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के अंदर और पोर्स. और अभी आप प्राइमर लगा रहे हैं? जी, अब मैं स्ट्रोक क्रीम, हाइड्रेंट क्रीम लगाऊंगी, सिंस अभी वेदर चेंज हो गया है और हाँ थोड़ा सा ड्राइनेस एग्जैक्टली हो गई. तो हमारी जो रेसिपीज होती है सना सारास पे, वी कीप ऑन चेंजिंग आवर रेसिपीज अकॉर्डिंग टू वेदर एंड द स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप. फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इतना मार्जिन है, अब आप बेस भी करते जाएंगे. अब मैं आपसे ना दो काम कराऊंगी एक साथ, आप मेकअप भी कर रही होंगी और मुझसे गप भी लड़ा रही होंगी, और आप से भी मैं थोड़ा कुछ बात करना चाहूंगी इस हवाले से. जब तक ये प्रेप कर रही हैं सारी, आप शुरू कर दें. हाँ सारा जी, हाँ अच्छा, अगर मैं जाती हूँ अभी जब तक ये इनको प्रेप कर रही है और इनकी बेस लगा रही है, सिरा अगर तुम मेरे पास आ सको. सिरा का क्योंकि मेहंदी मायो आप एक सॉफ्ट मेकअप लुक है, तो आप मेरे पास आ जाए, हम इसको डिस्कस करते हैं जब तक.
जी सिरहा के ऊपर आपने कौन सी बेस यूज की है, कौन सी ब्रांड? बिकॉज़ आई थिंक सिरहा की जो स्किन थी इट्स ऑलरेडी वेरी प्रिटी एंड सॉफ्ट स्किन, तो हमें उसको ओवरडू तो करना ही नहीं था. हम तो जिनके नीड होता उनको भी कहते हैं कि मिनिमम पे है, तो बिकॉज ये तो इनको इतनी नीड नहीं थी. सो बेसिकली हमने इनको अगेन वो ये दिया था ब्यूटी सारा जो बताया था क्लैरेंस का हम प्राइमर यूज करते हैं ब्यूटी फ्लैश पॉप. उससे होता है कि स्किन जो है जितने भी आपके ओपन पोर्स होते हैं वो विद इन 5-10 मिनट्स यू हैव टू लेव इट ऑन योर स्किन, तो वो आपके स्किन के पोर्स एंड हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं टेम्पररी बेसिस पे. एंड देन ये कि स्किन आपकी ग्लोई अफेक्ट देने लगती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, टाइट हो जाती है ना स्किन जी, टाइट ऑब्वियसली पोर्स क्लोज हो गए स्किन टाइट हो गई देन मॉइस्चराइज हो जाती है. सो दैट वी हैव टू लीव फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स. उसके बाद फिर हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है. अब जनरली अब आजकल आपका ड्यू मेकअप चल रहा है, सो बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन ऑन द स्किन हम लोग उसको अप्लाई कर रहे होते हैं सबसे पहले कि हम कोई इनको एलिमिनेटर लगाते हैं, तो फॉर दैट वी यूज मैक के एलिमिनेटर्स हैं डिफरेंट. अच्छा. वो स्किन टाइप्स होता है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डस्की स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट शेड है, अगर आपकी थोड़ी पिंकिश स्किन है तो वो ऑब्वियसली शेड सिलेक्शन होता है. अच्छा, अब अगर जैसे सिरहा के चेहरे पे है आपने कौन सा नंबर बेस का यूज किया? हमने स्ट्रोब यूज किया था मैक का, वो दैट्स जस्ट एलिमिनेटर इट्स नॉट बेस. ठीक है, तो वो पहले हमने लगा के इनकी स्किन पे थोड़ी देर तक छोड़ दिया था, उसके बाद ये एप्लीकेशन उनके भी की थी जस्ट टू कीप हर. आप कौन सी ब्रांड की बेस यूज? अब मैं मैक नार्स का यूज कर रही हूँ, पंजाब शेड. ठीक है, पंजाब. हाँ ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली पंजाब जो है वो एशियन मार्केट या जो हमारी स्किन टोन है उस पर बहुत अच्छा जाता है पंजाब से. मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 80% लड़कियां अगर पंजाब लगाएं तो उनको परफेक्टली सूट करेगा. इसको आपको पंजाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, इनके भी पंजाब लगाया. अच्छा. था, लेकिन बस टॉप कोट पे हमने थोड़ा सा एक और शेड होता है पंजाब. हाँ, उनके नाम बड़े डिफरेंट है, पंजाब एंड गोभी. गोभी मुझे भी पहले हुआ पंजाब पंजाब. मैंने कहा ये क्या है, मैं क्योंकि मैंने ये बेस देखी है लेकिन मैंने यूज नहीं की. एशिया से जो है वो रिलेट करोगे ब्रांड्स होते हैं तो उनको ये होता है कि फिमिलर हो जो भी ब्रांड परचेस कर रहा है. अच्छा, आप बेस कंप्लीट कर लें क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस सेगमेंट में मेहंदी लुक हो जाए. जी जी. और तब तक हम इनसे इनका सहारा ले रहे हैं. अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिरहा के आई मेकअप. हाँ जी, तो फिर सिरहा के आई मेकअप को भी हमने बहुत न्यूट्रल और बहुत न्यूड और अर्दी टोन पे रखा है जो की ब्राउन्स में और गोल्ड में है. जनरली मेहंदी ब्राइड जो होती है वो बहुत ज्यादा वो उनकी जो है वो आईज पफीनेस हुई होती है जागने की वजह से. सो उसके लिए हमने इनकी आई शेपिंग के लिए ब्राउन्स यूज किया जो की देखने में बहुत ज्यादा मेकअप लुक ना आए, बट एट द एंड ऑफ द डे कि इनकी स्किन इनकी जो आईज हैं वो शेप हो जाए और ओवरऑल एक इनका सेटल और क्यूट लुक आ रहा है. क्यूट लुक आ रहा है. अच्छा, अब अगर हम जैसे लाइक वो होता है ना कि बाल और वो सारी चीज मेहंदी पे आजकल बड़ा ये इन है चीज कि ब्रेड्स खुले बाल साइड पे थोड़ा सा ये एक ट्रेंड एक नया चल गया मेहंदी. हां, आजकल मेकअप से ज्यादा जो है लोग हेयर स्टाइलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. फॉर मी इवन If you are having a good hair day, तो आपकी पर्सनैलिटी कम्प्लीट लगती है. अच्छा निधा, आप देख सकती है मैंने बहुत सॉफ्ट कवरेज दी है. आई एम जस्ट डन विद माई बेस. इसके बाद हम कॉन्टोर और हाईलाइट पे जाएंगे. ठीक है, पैक करेंगे बस बेस को. वॉन्ट किया गया सिर आप थोड़ा सा टर्न होकर अपना हेयर डू भी दिखा दें. तो ये के या थोड़ा सा बैक से आप मेहंदी में ही देख सकते हैं कि कितनी हमने वेरिएशंस की है. इनका हमने ब्रेडेड किया है, उनका फ्लावर्स के साथ किया है, फूल भी लगाए हैं सिरा के. और वो लाइक अब मुझे लगता है मोती से ज्यादा ये वाले फूल जो है वो इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मोती ना डोरी रह जाती है झड़ के आखिर में, वो डोरी रह जाती है. मगर ये फूल वैसे भी देर पाव रहते हैं. आप नॉर्मली वाज में भी रखे से सीधी हो जाओ बेचारी, कब से उल्टी डेमो कर लें. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कुछ लड़कियां हैं उनके बाल कम होते हैं, छोटे होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, उनको आप क्या फैसिलिटी देती हैं कि आप उन्होंने ब्राइड बनानी है, ब्रेड बनानी है, तो वो क्या करती हैं? अब आई थिंक अगर ये फैशन आया तो ऑब्वियसली सबके बाल तो इतने अच्छे नहीं होते कि वो ऑन इट्स ओन अपना कोई अच्छा हेयर डू करा ले. तो अब फैसिलिटी ये है कि अगर कोई इस तरह के हेयर डूज आए हैं तो फायदा ये कि एक्सटेंशंस भी आ गई हैं उसके साथ. तो आप लोगों के सैलून पे अवेलेबल होती है डेफिनेटली हर शेड की, मतलब आपके एग्जैक्ट कलर कि शेड के हिसाब से हम इनको गाइड कर रहे होते हैं सबको कि आपकी ये शूट सूट करेगा, तो फिर हम एक्सटेंशन के सपोर्ट के साथ इसी तरह के हेयर डू जो उनको चाहिए वो बना रहे होते हैं. अच्छा, जो है कभी जो बच्चियां यंग होती हैं
उनके चेहरे कभी कभी छोटे छोटे होते हैं, और मैंने जब मैं शादियों में गई तो मैंने देखा है बहुत फुट्टे खींचे वाले कॉन्टोर होते हैं, ये फुट्टे खींचे हुए, ये हाइलाइटर का फुट्टा, तो वो आप उसको क्या देख कर लेके चलती क्या मुझे लगता है कि मेकअप इज एग्जैक्टली मुझे जो फील होता है ये कि आप जितना ब्लेंडेड होगा उतना अच्छा लगेगा. क्या पता ना चले कि लाइनर स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, आपके आई का कोई पर्टिकुलर शेड वो स्टार्ट कहाँ से, अगर आपने तीन चार शेड्स भी लगाया तो इतने वेल ब्लेंडेड होने चाहिए कि कोई भी अगर आपको देखे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि पिंक स्टार्ट हुआ था हम यहाँ से पर्पल स्टार्ट हो रहा है. आप यहाँ पे देख सकती हैं ना कि मैं डार्कर शेड से मैंने स्टार्ट किया था, उसको ग्रेजुअली मैंने उसको ब्लेंड किया, फिर लाइटर शेड पर जाएंगे. एक दफा आप करके दिखाएंगे ताकि दूसरी तरफ का, तो हम ऑन एयर दिखाएं. दिस वन इज डार्कर शेड. एक मिनट, सॉरी, मैं आपको दिखा दूं कौन सा आपने पहले शेड. ये मैंने डार्कर शेड यूज किया. ये देखिए, ये डार्क शेड यूज किया पहले और वो कहां लेके गए. पीछे पीछे से इसको आप गाल दिखाएं, गाल दिखाएं जी, बिकॉज इनका भी बहुत पेटीट फेस है, हमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है. हम तक हम कैमरे में. ओके, आप दिखाएं आपने फिर डार्क कलर कहां यूज किया. ये बिल्कुल मैंने पीछे की तरफ स्ट्रोक दिया. और लाइट कलर उसी पीछे को भी, जब वो थोड़ा सा डस्ट आउट हो गया तो उसी से मैंने थोड़ा सा आगे किया, और फिर लाइट कलर से मैंने जो ऊपर का पोर्शन है इसको फिर मैंने इससे ब्लेंड कर दिया. ओके, अब देखिए लाइट कलर ये है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बता रही है सारा मैं फिर भूल गई. ये मैंने डार्क कलर यूज किया है और ये मैंने फिर ब्लेंड किया है लाइट कलर से. ठीक है, ठीक है. और इसी तरह फिर मैं चिन को भी ग्रेजुअली जो है वो मैं ब्लेंडिंग आप लाइट कलर से कर रही हैं, तो वो जो लाइंस है वो सब डिफाइन नहीं क्लियर हो रही है. एग्जैक्टली. और उसके बाद फिर हम ब्लशों से भी दोबारा जो है ब्लेंड करेंगे. ओके, अब मैं आपको जैसे लाइक ये मेहंदी के लिए तैयार हो रही हैं, एक और वैरायटी बालों की भी मेकअप की भी वो आपको दिखाना चाहूंगी सना सारा सैलून की तरफ से. आइए देखते हैं ये शेंदी मेहंदी, लाउड वर्जन ऑफ मेहंदी मेकअप. यस, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलिया हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो केंदी ए सहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरियां वाला और यहाँ आप देख सकती हैं शेंदी. मुझे नहीं देखो, उधर कैमरे में देखो, मैंने तुम्हें देख लिया, बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू. तो ये जो है शेंदी लुक है, थोड़ा सा मेहंदी से थोड़ा सा ज़्यादा. बहुत अक्सर लोग आजकल मेहंदी और शादियों को कंबाइन करके, एक तो पब्लिक के लिए भी आसानी है, मज़ा आता है शेंदी में, मेहंदी में डांस वांस होते हैं. शादी वैसे अकेले थोड़ी बोरिंग सी होती है ना, मेहंदी क्योंकि एंटरटेनिंग होती है, तो आई थिंक ये अच्छा है कि एक साथ एक साथ मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप शादी में ना बुलाओ, मेहंदी में बुलाओ. मेहंदी में बुलाओ, सीरियसली. किसी को इनविटेशन भी आता तो कहते हैं मेहंदी में जाएंगे यार, मजा आता है. और इतने फंक्शंस होते हैं ना, तो रोज रोज हर दूसरे दिन तैयार होना भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. तो आई थिंक कम फंक्शंस हो तो ज्यादा ज्यादा. और आप फिर सारी इन्वेस्टमेंट फिर एक फंक्शन में कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, अपना जोड़ा बेहतर बना सकते हैं, सैलून से जाके मेकअप करा सकते हैं, सना सारा सैलून जाके मेकअप करा सकते हैं. अच्छा, इसमें बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं जो कि उनकी सिंगल मेहंदी भी होती है, साथ शेंदी उनकी सिंगल मेहंदी है, स्टिल दे वांट समथिंग वेरी लाउड. yes. तो उनको होता है डार्क कलर, लिप कलर भी डार्क चाहिए मेहंदी पे भी. सो एक वर्जन हमने बहुत सॉफ्ट का रखा है जिनको बहुत सॉफ्ट पसंद है. अगर हम देखें सिरा और ये है दो मेहंदी डिफरेंट लुक्स. एग्जैक्टली, दिस इज गोइंग टू बी द मीडियम वर्जन. दिस इज गोइंग टू बी द मीडियम वर्जन. सो दिस इज वेरी न्यू. तीन लुक्स दिखा रहे हैं मेहंदी की. दिस इज वेरी न्यू एंड सॉरी this is very nude and this is the darker version. और जो अभी सारा कर रही है, this is a medium version. Because हम specification पूछ रहे हैं bride से कि आपको कैसे, कुछ को होता है कि नहीं बहुत loud चाहिए, अच्छा सा red pink color का जो personally मुझे पसंद है, अच्छा लगता है. कुछ लड़कियों को बिल्कुल natural चाहिए होता है, कुछ को होता है कि आप अपनी choice से कर लो. This is something of our choice. This is जो बिल्कुल nude चाहिए, तो जो generally this is of Sarah's choice. This is Sarah's choice. This is generally बहुत चल रहा है ना, glasses लगा के रक्षे पे और bike पे बैठे उस पे, ये भी मेहंदी मेकअप इतना अच्छा कैरी करती है लिटरली कि हमें मेयर साहब ये कह ले कि बड़ा अच्छा लग रहा है, फंकी पिंक कलर चाहिए, पाउट चाहिए और
ऑब्वियसली वो फिर कैरी भी उसी हिसाब से अच्छा कर रही होती है. और मुझे लगता है लड़की जिसमें खुद कंफर्टेबल हो ना, हम लोग अपना कुछ भी इम्पोज नहीं करते. अगर किसी पे डार्क मेकअप अच्छा लग रहा है लेकिन उसको लाइट चाहिए तो वी मेक श्योर लाइट करें, क्योंकि अगर खुद इंटरनली फील नहीं करेगी मैं अच्छी लग रही हूँ तो हम कुछ भी कर दो अच्छा. सिरा मैं तुझे तुमसे पूछ रही हूँ ना, लाइक तुम थोड़ा सॉफ्ट मेकअप वाली बंदी हो ना कि मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए. अब फर्ज करो तुम्हें मेहंदी पे जो अभी लुक मिला हुआ है सॉफ्ट, वो मिल गया. अब तुम्हें शादी पे भी सना सारा सैलून जाना है, तो अब तुम अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगी कि मैं एक जैसी ना लगूं हर दिन? I'll go with Fatma's look. हाँ, okay. कि Fatma वाला look वो medium वाला look हो जाएगा, बहुत चमकता दमकता नहीं है. Yes, and then Valima I can go with the smoky eyes. Okay. तो frame of mind जो soft है, बहुत सारी brides आती है जिनको हर चीज soft look में चाहिए था. बहुत सही ब्राइट जाती है, उनको हर चीज़ बहुत लाउड चाहिए होती है तो ऑब्वियसली. बट हमारा काम होता है कि जो भी करे वो इवेंचुअली बैलेंस करके कोई भी चीज़ ओवर डू ना लग रही हो, चाहे डार्क या लाइट. इस वक्त मेहंदी पर सना सारा आपको तीन लुक्स दे रही है, एक यहाँ सिरा की लुक है जो एक न्यूड सॉफ्टर लुक है ब्राइडल लुक, लेकिन वो कलर्स इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है कि आपको लगे कि सिरा की शक्ल चेंज हो गई है. फिर उससे हटकर यहाँ आपको मिलेगी एक, आपको एक आइडिया मिलेगा एक मीडियम लुक का जो कि सना सारा का अपना फेवरेट लुक है. एंड देन अगर आपको थोड़ा सा लाउड लुक चाहिए कि भाई पटाखी वाली मेहंदी है, शेंदी है, ज़्यादा लोग हैं और आपको किसी को मज़ा आता है लाउड मेकअप में, हाँ किसी के ऊपर आप कितना भी मेकअप कर दो अच्छा लगता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है फीचर्स पे. तो ये जो है एक आपको प्रॉपर शेंदी लुक है. और आप देखिए सना सारा की लाउड लुक भी चीपो लुक नहीं है, वो जो होती है ना लाउड हो जाती है तो बहुत यहाँ पे भी बत्तियां चमक रही हैं. हालांकि देखिए तो इनका जो फेस है काफी छोटा है लेकिन फिर भी जो भी एक्यूरेट मतलब आईज पे जो किया, जो लिप्स पे किया, बिल्कुल बैलेंस. और इनका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ये इतना अच्छा मेकअप इतने कम टाइम में कर लेते हैं, थकते नहीं हो आप. मतलब वो जो हमें आदत होती है शूट पे कोई तीन तीन घंटे बस कर दो भाई, बस कर दो, अभी ये भी रहता है, नहीं नहीं अभी ये भी रहता है, वहां से असिस्टेंट चीख रहा होता है आज आज. लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी किया कि थकावट नहीं हुई बैठे बैठे. आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि अगेन जो हम बताए थे वी आर यूजिंग ऑल हैंड ब्रांड्स, यू कैन सी आवर वैनिटी, हम इसमें सारा जो है हाई एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम ना उठा के दिखाएंगे भी. एग्जैक्टली. लाइक आपने ब्लशन जो लगाया है वो मुझे बताएं. मैंने ये मैक का ब्लशन लगाया है, ठीक है ना, ये मजे का शेड है और इसके साथ मैंने इसके अंदर हल्का सा शिमर भी मौजूद है. यस, और उसके साथ फिर अगेन जो पीछे मैंने डार्क ह्यूज रखे हैं मिक्स और ब्लेंड किया आगे वाले को मैंने नार्स के ऑर्गेज्म से. ये देखिए नार्स का, ये देखिए ऑर्गेज्म. अब इतने इतने शेड्स आ गए और ये मजे की बात ये जो मैं देख रही हूँ उनके मेकअप में ये डार्क एंड लाइट को मिक्स करते हैं, उसकी वजह से कोई लकीरें कोई लाइनें न्यूट्रलाइज हो जाता है मेकअप इवेंचुअली और ऑक्सीडाइज होके टाइम के साथ और सेटल हो जाता है. और सेटल हो जैसे जैसे आपको हल्का हल्का स्वेट करते हैं आप वो आप ब्लेंड हो जाते हैं मिक्स होता जा रहा है. और कुछ भी कह लें आप जो अच्छी ब्रांड्स हैं वो अच्छी ब्रांड्स अगर महंगी हैं तो उसके पीछे कोई वजह है. ये जो नार्स का ब्लश है इट्स बीन अवार्डेड द बेस्ट ब्लश इन द वर्ल्ड. एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑर्गेज्म. यस ऑर्गेज्म. हाँ अच्छा इसमें ये कि जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होती हैं हाई एंड ब्रांड्स होती हैं इनके अंदर स्किन केयर एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं इसमें, जो जो अब ऑयल मैकेडमिया ऑयल जितने जो स्किन यस एग्जैक्टली. तो वो ऑफकोर्स आप जब एक पॉडरी को एक लोकल ब्रांड देखेंगी तो वो टाइम के साथ जब ऑक्सीडाइज होगी तो वो पॉडरी होकर झड़ना शुरू हो जाएगी. मुझे आई मेकअप जिससे किया है पैलेट से वो भी बता दो दिखा दो, हम ब्रेक पे जाएंगे. मैं खुदा का यूज़ कर रही हूं तैयार हूं. रोज कोल पैलेट है इसमें डिफरेंट ट्रांजिशंस ऑफ ब्राउन्स है तो मैं उसी से अगेन डार्क से लेके फिर ये देखिए ये वाला है खुदा का पैलेट, ठीक है, और ये यूज़ किया जा रहा है. और ये सारी अच्छी ब्रांड्स यूज़ करने की वजह से वो वाली बात है ना, बहुत सारे सैलॉन्स खुले हुए हैं, 10,000 की ब्राइड भी बन जाती है, 12,000 की भी बन जाती है. अगर आप ये देखकर वो सैलॉन सेलेक्ट करेंगे कि उनके पैसे कितने हैं तो आपको फिर शादी के फौरन बाद डर्मेटोलॉजिस्ट के जो ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करेंगे आप वहाँ से भी अपने दिमाग को चलाएं कि अच्छी प्रोडक्ट्स अगर आपके ऊपर नहीं लगाई जाएंगी तो उस शादी के शुरू ही दिनों में आपकी स्किन का क्या बर्बादी मच सकती है. और फिर हस्बैंड पहचानने से फिर वो कहेंगे कि तुम मतलब आई हो मेरे खर्चे कराने अपने अम्मा अब्बा का तुमने खर्चा कम कराया और मेरा ज्यादा करा रही हो. एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यहाँ मेहंदी लुक फाइनल आपको दिखा देंगे, तीनों लुक्स आपको दिखाएंगे एंड देन हम चलेंगे ब्राइडल लुक्स की अलग अलग वैरायटी पर जो आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आजमा सकते हैं अपने ऊपर. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप देख रहे हैं आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि आप अपनी मेहंदी का लुक कैसे डिज़ाइन कर सकती हैं, कैसे इमेजिन कर सकती हैं और मेकअप करा सकती हैं. सारा सना एंड सारा सैलून से ये दोनों हमारे साथ हैं और आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ दे रहे हैं.
मैं चाहूंगी कि मैं दिखाऊं। आ जाओ ना मेहंदी का लुक फाइनल। सिरा का आपने लुक देखा, सिरा एक मिनट आओगी, हम तीनों को एक साथ खड़ा करेंगे तो हमें वैरायटी मिल सकेगी। सिरा तुम इधर आ जाओ और तुम बीच में आओ, तुम सिरा इधर आओ, सॉरी। ये अब हम आपको मेहंदी के तीन लुक्स जो सना सारा सैलून की तरफ से हैं, एक यहाँ से आएंगे, आप देखेंगे कि ये सॉफ्टर लुक है, ये वो लुक है जो मीडियम लुक है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत वाइब्रेंट भी नहीं है, और ये तीसरा। तीन लुक्स मेहंदी के, तीन मुख्तलिफ बाल आप देख रहे हैं सना सारा सैलून के। मैं बालों पे फोकस करूंगी। अब अगर आप देखेंगे सिरा के बाल जो हैं वो बाल खुले हुए हैं, एक दफ़ा फिर घुमाऊंगी मैं सिरा को, आई एम सॉरी, और बहुत ज़बरदस्त कर्ल्स हैं जो आपस में मर्ज हुए हैं। आपको अगर ये हेयर स्टाइल चाहिए तो हम इसको क्या कोई नाम दे सकते हैं, जैसे अगर आपके पास आए कि हमें, या इसका सिरा हेयर स्टाइल ही नाम बन जाएगा? ताकि जो एक प्रॉपर ब्रेडेड लुक आए, और साइड पे भी इनको कर्ल्स के साथ हमने ब्रेड्स दी हैं। ओके ओके, थोड़ा सा तुम पीछे भी दिखाओगे कि लाइक देखे ना दोनों तरफ मांग निकली हुई। अगर आपको लगता है आप पे मांग अच्छी लगती है तो मेहंदी के लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल है। अब फिर जो एक वाइब्रेंट लुक है आपको है कि अच्छा मुझे डांस भी करना है, मेरे बाल ना ख़राब हो, मैं बिल्कुल सिमटी रहूं, तो आपने बाल बांध भी लिए। थोड़ा सा तुम पीछे और मुड़ोगी, पीछे फ्लावर भी लगाए हुए, देखिए फ्लावर अरेंजमेंट बाकायदा इतना प्यारा हुआ हुआ है। तो वो एक आपके पास तीन लुक्स अलग अलग मेहंदी की आपको हमने दिखा दी। हमारे पास ब्राइड्स आती है तो वो रेफरेंस पिक्चर्स भी लेके आती हैं हमारे पास कि हमें हेयरडू इस तरह का चाहिए, तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि एक्सटेंशन नीडेड है तो हम एक्सटेंशन गाइड कर देते हैं। प्लस उसके अलावा हम लोग खुद भी बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं, इतनी दफ़ा हेयरडू जो मेरे हेयर स्टाइल से वो बहुत परेशान होते हैं कि मैं रूम में ना जाऊँ, क्योंकि मैं आती हूँ तो मैं इतनी दफ़ा हेयर स्टाइल फौरन खोल दो, पूरा खोल दो, और मैं इतनी सारी पिक्चर्स लेके बैठी होती हूँ, मैं उन लोगों को बोल रही होती हूँ कि मुझे एक्जैक्टली यही वाला जो हेयरडू है ना ये चाहिए। सो हम बहुत रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी आया कुछ भी बना दिया, कुछ भी बहुत जरूरी। अभी भी इन्होंने तीनों के फेस कट्स देखे और देखे तीनों को अलग अलग हेयर स्टाइल दिया। अब हमारे ब्राइडल लुक की तरफ। अब ब्राइडल हमारे पास जो दो ब्राइड्स तैयार हैं, फातिमा है एक हमारे पास और एक और ब्राइडल लुक तैयार है, हम दोनों को बुलाते हैं और फिर हम आपसे पूछते हैं कि ये जो अभी आप तैयारी दिखा रही हैं ये कौन सा वाला, मीडियम वाला होगा, सॉफ्ट वाला होगा या ये पटाखा वाला होगा? दिस इज गोइंग टू बी आवर सिग्नेचर ब्राइडल लुक जो हम सना सारास पे करते हैं। अच्छा। थोड़े हैवी कॉर्नर्स के साथ, आई शेपिंग के साथ थोड़ा डिटेल्ड वर्क होता है, जैसे अगर इनके अगर मेहंदी आप मेकअप देखें आप, तो मैंने लिट बहुत सॉफ्ट रखी है, कॉर्नर्स को भी बहुत सॉफ्ट रखा है। अभी हम मेहंदी मेकअप को इधर करें, हम फातिमा और जो दूसरी आपकी ब्राइड है उनको बुलाते हैं। फातिमा तुम इधर आ जाओ ताकि हम दिखा सकें ना कि हम तीन लुक्स दे रहे हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हाँ अच्छा, फातिमा को हमने सॉफ्ट कोरल पीचेस में हमने लिप शेड दिया है। फातिमा के मेकअप को फोकस कर लें प्लीज। जी जी, आई मेकअप हमने डिटेल किया है इनका आई शेप के हिसाब से अकॉर्डिंग। लिड एरिया के अंदर मैंने सॉफ्ट गोल्ड ही रखा है, कॉर्नर्स को थोड़ा सा अगर आंखें बंद करोगी फातिमा, कॉर्नर्स को एनहांस किया, आईज पे ग्लिटर दिया है मैंने, थोड़ा सा स्ट्रेच लाइनर दिया है, और अंडर आई पे अगर आईज थोड़ा सा आप खोलें, अंडर आई पे मैंने सॉफ्ट अंदर वाटर लाइन पे मैंने व्हाइट यूज किया है, और कॉर्नर्स को जो है सॉफ्ट ब्राउन ह्यूज ऑफ ब्राउन से मैंने ब्लेंड किया ताकि आई शेप आउट हो फातिमा की। और फातिमा की लिपस्टिक हल्की सी रस्टी सॉर्ट ऑफ है, वो बहुत चीखती हुई रेड नहीं है, तो वो एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब हम मैं दूसरी आपको ब्राइडल लुक दिखा रही हूँ सना सारा सैलून से, आइए प्लीज। ओके, अब जो सेकंड मेकअप है थोड़ा सा और आगे आओगी, लाइट लो अपने चेहरे पर, माय फेस पे लाइट पड़े,
जो दूसरा आपको वैरायटी दी है मेकअप की, वो आप देख सकते हैं, शिमर है, काजल है आंखों में। आंख खोलोगी तो एक आंख बड़ी, एक वो कहते हैं ना गहरी आंखें नजर आ रही हैं। इसमें काजल का इम्पैक्ट ज्यादा दिया है। फातिमा को आपने काजल कब दिया है ना? Because obviously we have to give variety. तो हमें शो पे डिफरेंट करना था, सो उनको हमने वाइट आईज के साथ और अंडर आई वाइट के साथ हमने सॉफ्ट लिप्स किए थे, और उनको हमने बोल्ड पे गए, बिकॉज वी हैव टू शो वैरायटी, तो हमने उसको काजल वाली आईज के साथ डार्क लिप्स किए हैं। लिप्स भी आपने डार्क, एग्जैक्टली। तो अब फातिमा वाला मीडियम वाला मेकअप है और इनका थोड़ा ज्यादा वाला मेकअप है, ये वाली चीज है। हां जी, लाउड। और ये सबसे सॉफ्ट मेकअप नहीं, इट वोंट बी सॉफ्ट, इट वुड बी सिग्नेचर। हम इसमें जैसे इनके पाउट हमने थोड़ा सा डार्कर मरून की थोड़े स्टोन में हमने रखा है, इनको हम थोड़ा सा हॉट रेड पे लेके जाएंगे। अच्छा, इस पे हां एग्जैक्टली, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन हो। और अगेन ब्राइट की जो नीड होती है हमारे पास, जब आती है ब्राइट्स की, हमें इस तरह की लिप कलर चाहिए, न्यूड्स पे चाहिए, तो हमारे पास कैटर करने के लिए डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। अच्छा, मैं ये नोट कर रही हूं, जैसे आप लोगों ने ब्राइट्स के जो हैं वो हेयर स्टाइल बांधे हुए, क्योंकि अक्सर शादी पे खुले बाल मुझे नजर नहीं आते। वो निकाह या शादी होती है तो वो लाइक बंधे हुए ही बाल होते, सर पे दुपट्टे होते। हमने कभी दुपट्टे से नहीं रख पाए कि हमने हेयर स्टाइल्स आने थे, क्योंकि वो भी मैटर करते हैं। अक्सर लोग नेट के दुपट्टे रखते हैं तो उसमें से हेयर डूज नजर आ रहे होते। अगर हम फातिमा का हेयर स्टाइल डिस्कस करेंगे, इस तरफ मुड़ो कि फातिमा थोड़ा सा, हाँ यहाँ फूल लगे हैं और वहाँ प्रॉपर, मैंने अक्सर देखा है सैलॉन्स में सिंपल से बाल बना देते, कोई मेहनत नहीं होती, लेकिन आप लोगों के यहाँ मेकअप के साथ बालों पे भी प्रॉपर फोकस हुआ है। लेकिन मुझे लगता है बालों पे फोकस के साथ भी कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक बाल नहीं होने चाहिए। यस एग्जैक्टली, हर चीज मेक हेयर में भी ब्लेंडेड हो के पता ना चल रही हो कौन सी चीज कहाँ पे मलगमेट हो रही है, तो हेयर भी ब्लेंडेड, और जैसे आपका फेस भी कंटूर हो रहा है साथ में, जिस तरह से अगर आप मेकअप से करते हैं, ऐसे आप हेयर डू से भी अपना फेस को जो है वो कंटूर करते हैं। और फेस पे डिपेंड भी करता है ना, एग्जैक्टली, जिनके लंबे फेसेस होते हैं उन पे वो स्लिक बैक लुक भी अच्छा लगता है, जो मांग वाला का अक्सर बार आता है, चिपके हुए बाल। लेकिन जिस तरह से मेरा फेस कट है और इनका है, आई थिंक थोड़ा इस तरह का थोड़ा बाउंसी अच्छा। तुम लोगों का फेस कट वो है जो हमारी लाइक आम लड़कियां होती है जनरली, जनरली गोलू गोलू चबी चबी एशियन, यस एशियन फेसेस जो है वो होते हैं, फ्रेंच होती है ना, लंबी गर्दन, ये चिन, ये नाक, हमारी बेसिकली जो आम आवाम है, तुम लोग उनसे कनेक्ट करते हो बहुत, तभी तो बेचारी कुत्सिया बन जाती है। अच्छा, फर्स्ट डे के आपने जैसे से बोला कि फर्स्ट डे यूजली हम पैक ही रखते हैं, ताकि जो इवेंट होता है उनका थोड़ा सा लॉन्ग आवर्स के लिए होता है, तो वो कंपोज रहती है, ब्राइड्स को भी इजी टू कैरी होती है। ये मुझे दिखाएगा, क्योंकि हाइलाइटर आपके बड़े मजे के लग रहे हैं जी, वो कौन सा आप लोग यूज प्रेफर करते हैं? मैक का हाइपर रियल ग्लो है, ये बहुत प्यारे हाइलाइटर्स हैं ये जो ये लोग यूज करें, और जरा सा ही टच करती हैं पाउडर, और देखिए मैं ब्लेंड कितना कर रही हूं, बहुत पिगमेंटेड है ये, है ना, क्रीमी लुक आ रही है, बिकॉज़ अभी ड्राई वेदर चल रहा है तो इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर है। मैं समझी कि इनको सबको आपने क्रीमी हाइलाइटर लगाया है, नहीं सबके डिफरेंट दिया, आप देख सकते हैं, ये एक मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल है, ये जो है वो शेयर ग्लो है। हां, मैं आपको दिखा दूं ना जमाने में क्या-क्या हाइलाइटर्स चल रहे हैं। ओके, ये एक मैक, हां ये है, हां ये अच्छा है, सॉफ्ट एंड जेंटल इज वेरी नाइस। यस, अच्छा, तो ये भी आप देखिए, हर ब्रांड का अलग अलग हाइलाइटर है, उसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है, वो सिर्फ एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को ही पता है कि क्या फर्क है। एक्चुअली जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं और सारा ऐसे नहीं कि हम कोई भी प्रोडक्ट जाके उठा लिए और फिर उसको लगा दिया, तो हम लोग जब भी जाते हैं, जैसा जनरली हम दुबई मॉल जाते हैं, तो दुबई मॉल में मैं और सारा बहुत बहस करते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स पहले हम लगाते हैं और फिर हम पूरा मॉल घूमते हैं, उसके बाद शाम में हम डिसाइड तैयार हुए भी होते हैं आपने, और फर्स्ट डे तो हमें बहुत सारी बीएस होती है ना, सब घूर के देख रही होती है, विंडो शॉपिंग कर रही है, हर चीज़ ला के देख रही है, और अगले दिन जब मेरा सारा हमेशा ही होता है बास्केट लिया होता है, वही बीएस जो हमें पहले टेंट दे रही होती है वो हमारे पीछे भी जाग रही होती है। आई लाइक टू टेक दिस साशे एंड ऑल, मैं कहती हूं नो नॉट थैंक यू, बिकॉज़ एक दिन पहले उनको लाइक बल्क परचेजिंग कर रहे थे अपने सैलून के लिए, हां जब बाहर जाते हैं हम अपने हस्बैंड को कहते हैं तुम जाओ तुम लोग अपनी शॉपिंग करो, पूरे दिन सब हो रहा है, वो मॉल में किसी हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो सिफोरा के बाहर खड़ी होती है, इसलिए नहीं कि रोमांटिक वे में, इसलिए कि अंदर उनको भी सारे शेड्स बता दिए, तो सब याद हो गया, पता है कहाँ से क्या लेना, तो वहाँ से क्या लेना, वहाँ से क्या लेना। अच्छा, हाँ जी, अब हम जरा मेकअप की तरफ आते हैं, ये ब्राइडल मेकअप है, बेस आपने इनको नार्स की प्रेफर की जी, नार्स वही हमने रेसिपी यूज की थी, स्ट्रोक के बाद हमने जो है वो पंजाब दिया था, बहुत सॉफ्ट कवरेज रखी है सबको, हमने ओवर डन नहीं किया किसी को। अच्छा, जो आपने बेस बनाई है आई मेकअप की, वो कौन से कलर से बनाई है? मैं जो है
ये मेरे पास पैलेट है, मैं सॉफ्ट ब्राउन्स यूज कर रही हूँ, ये है और ये वही हुदा का, हुदा का, हाँ ये भी और ये भी दोनों, हुदा और फरा, ये फरा कौन है, ये पैलेट है, अच्छा ये बड़ी जबरदस्त, इसके कलर बहुत पिगमेंटेड है, इसके भी पैलेट, अच्छा आप मुझे बताएंगे जो आपने बेस बनाई है कलर की वो कौन, बहुत सॉफ्ट कलर से बनाई, सॉफ्ट ब्राउन, लाइट ब्राउन से, अब मैं सॉफ्ट से करके फिर मैं इनर कॉर्नर को डार्क करती चली जाऊंगी और उसको फिर ब्लेंड करती चली जाऊंगी, ठीक है ठीक है, तो वो ब्राउन की बेस बनती है, हालांकि ब्राइट बन रही है सब, वो उससे बड़ी अच्छी आंख, हाँ, हम यूजुअली हम पर्पल और पिंक्स पे कॉन्टोर नहीं करते आई को, हम उससे बेस नहीं करते, हम मुझे लगता है कि जो ब्राउन्स के जो ह्यूज होते हैं बहुत अच्छे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्शंस हैं एशियन जो है उनके ऊपर ये बहुत अच्छा पिंक और पर्पल बहुत शार्प लुक देते हैं फॉर अस, ठीक है ठीक है, अब हाँ अच्छा मुझे आपसे कुछ सवाल करने, क्योंकि आप स्किन केयर के ऊपर भी बहुत अच्छा बोलती हैं, अगर मैं आपको ये पूछना चाहूँ आपसे कि दुल्हनों को आप लोगों के पास तैयारी से पहले कितने दिन पहले अपनी स्किन को जो है वो ज़बरदस्त बना देना चाहिए, क्या क्या ऐसा करना चाहिए, मतलब जब ब्राइड आ रही होती है ना तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि हमारे कपड़े ऐसे हैं और दुपट्टा ऐसा है और ड्रेस ऐसा है, मेकअप हमें, तो उसको हमने सब मैनेजर्स को भी ट्रेन किया हुआ, दे नीड टू टीच अस कि भाई वो सब कुछ तो अच्छा है लेकिन जितनी अच्छी स्किन होगी ऑब्वियसली आप उतने ही अच्छे लग रहे होंगे, सो बेसिकली यू हैव टू इन्वेस्ट एंड एम्फसाइज अपकमिंग ब्राइड्स के लिए कि वो अपनी स्किन पर इन्वेस्ट करें, और मैं जनरली एक ही बात बोलती हूँ कि एक ड्रेस नहीं बनाना पर अपनी स्किन पर इन्वेस्ट कर दो, एक 10-15 हज़ार का जोड़ा ना बनाओ, अच्छा आइडिया देना, आइडिया इन्वेस्ट तो करें, आइडियाज दें क्या क्या करा सकती हैं, अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो कहाँ से शुरू करें, अगर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती तो इतना कर लें, जैसे आप तीन ब्राइड्स दिखा रही है ना कि ज्यादा मेकअप, मीडियम मेकअप, सॉफ्ट मेकअप, उसी तरह आप मुझे तीन ऑप्शंस बताइए। सबसे पहला ऑप्शन तो मेरा ये है और सबको मैं ये बता रही होती हूँ ब्राइड्स को भी कि प्लीज डोंट यूज फॉर्मूला क्रीम्स, वो जो व्हाइटनिंग की आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आई हुई हैं और क्रीम्स आई हुई हैं जिस स्ट्रेट अवे यूज़ कर रही होती हैं, जब वो ब्राइट बन रही होती है तो उनकी पूरी स्किन पील हो रही होती है, सो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दोज वाइटनिंग क्रीम, जो आपको लगता है दो दिन में हम वाइट इवेंचुअली तो हो रहे होंगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्किन खराब हो रही होती है, उसमें मर्करी कॉन्टेंट इतना हाई होता है कि वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज कर होता है, हमारे एक चीज़ हो गई कि मर्करी क्रीम्स गोरे रंग की क्रीमें यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, उसके जाहिर है आप लड़कियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ सब जा रही होती हैं और सारी चीज़ें उनको पैकअप करनी होती हैं तो उनका डल हो जाता है रंग, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करती हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं उसके लिए, आई कैन आई सजेस्ट माय ब्रांड जो हमने वीमा लॉन्च किया है, आप वो भी कह सकते हैं, ओके जी हमने अभी ऑर्गेनिक एक ब्रांड लॉन्च किया है विच इज़ फ्रॉम इटली और वो इंटरनेशनली 45 कंट्रीज में अवेलेबल है इंक्लूडिंग अमेरिका एंड कैनेडा एवरीवेयर अराउंड, तो वो 100% ऑर्गेनिक है, सो अगर आप इन्वेस्ट भी करें विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट उसमें ये होता है कि आप बेसिकली इन्वेस्ट करें अपनी स्किन पे, इफ़ यू यूजिंग एनी गुड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो अपनी स्किन पे, नॉट हर्बल से पहले वो नॉट हर्बल, सो आई नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक में बहुत डिफरेंस है, सो प्लीज़ ट्राई एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि आपके लिए बेटर है और ऑर्गेनिक हो, आप आई थिंक अगर 2 मंथ्स पहले भी अच्छे सीरम्स और वाइटनिंग क्रीम्स, मतलब ब्राइटनिंग नॉट वाइटनिंग, सो लाइक हमारे पास जिस तरह बीमा में भी ब्राइटनिंग क्रीम्स और सीरम्स हैं, अगर आप वो 2 मंथ्स पहले भी यूज़ करना शुरू करें विद इन 2 वीक्स यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस, बट नॉट दैट मिरेकल वन कि आप एकदम से जैसे वाइटनिंग क्रीम्स में होता है फॉर्मूला। अच्छा ये तो आपकी वो हो गई ना कि आपकी ये ब्रांड लेके आप क्रीम घर पे मेंटेन कर सकती हैं, आपके सैलून पे ऐसे कौन से फेशियल्स वो सब चीज़ें होती हैं जो कितने अर्से पहले करना शुरू? अच्छा वो हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो कि कंसल्टेंट्स हैं बेसिकली, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी कंपनी से ट्रेनिंग ली हुई है, सो हम ब्राइट को रेफर कर देते हैं उनके पास, तो फिर उनके पास जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्जैक्टली आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन में क्या, किसी की बहुत ऑयली स्किन होती है, बहुत सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है, किसी की एक्नी प्रोन होती है, किसी के रिंकल्स आए हुए होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप हमारे जो स्किन कंसल्टेंट्स हैं वो आपको बता रहे थे यू शुड टेक ये वाला फेशियल करा लीजिए, आप सेटिंग्स ले लें विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स बाय आजकल हाइड्रा फेशियल हम लोग गेनो हाइड्रोडर्मी दे रहे हैं, मशीनरी फेशियल है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक छोटे सा किसके गेनो के बाद मतलब 80-90% मैंने नोटिस किया है कि हाँ। वो हर किसी की स्किन पे चले जाते हैं। आप लोग फेशियल्स कराते हो? मैं करवाती हूँ। आप तीनों कराते हो कभी फेशियल? मैं करवाती हूँ गेनू। फिर मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, पूछूंगी आप लोग कौन से फेशियल्स को प्रेफर करते हो। ठीक है एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको 3 ब्राइडल लुक्स या डिफरेंट ब्राइडल लुक्स दिखाएंगे जो सना सारा सैलून आपको दे सकती है, और भी बहुत सारे लुक्स इनके पास हैं लेकिन ऑब्वियसली आज शो पे लाइव 3 ही दिखा रहे हैं, बाकी बकिया जानने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके सैलून जाके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और बातचीत करके अपना चेहरे के हिसाब से मेकअप डिसाइड कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत वैसे तो हमारी मॉर्निंग ब्राइट होती है लेकिन सना सारा के सैलून के मेकअप के बाद ये और ब्राइट हो गई है, आपको यहाँ जगमगाती हुई खूबसूरत ब्राइट्स नज़र आ रही हैं और बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं,
आपके अपने स्पेशल डे के लिए। तो आइए मैं एक दफ़ा रिमाइंड कराती चलूँ आपको कि यहाँ सना सारा सलोन की तरफ से 3 आइडियाज़ मिले आपको मेहंदी लुक के, फिर आपको 3 आइडियाज़ मिले ब्राइडल लुक के, बल्कि तीसरा मिलने वाला है, वो अभी पाइपलाइन में है। वो जो तीसरी वाली ब्राइड है वो तैयार हो रही है, और वो जिस तरह ये कहते हैं ना, वो पूरी ध्यान से एक एक बारीकी से मेकअप कर रही हैं, तो वो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा अच्छा करती रहे आप। So this is basically our signature makeup which Sara is doing right now. ये हमारा signature bridal look है। ये signature bridal look है जो अभी तैयार होने वाली है, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, मैं जाने से पहले एक लिंक दे के गई थी, मैं फेशियल्स और हेयर के ऊपर बात करना चाह रही हूँ सना सारा से, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ तुम लोग अगर जो फेशियल लेते हो वो कौन कौन से लेते हो अपने लिए? मैं हाइड्रा फेशियल लेती हूँ। तुम हाइड्रा लेती हो, हाइड्रा फेशियल लीनो का? लेकिन मोस्टली मैं ये कहती हूँ कि जितना जो कुछ भी आप अपने फेस पे कर लो, जो आपकी डाइट है ना, जितना वो आपके फेस पे इफेक्ट करेगी। अगर आपकी शादी है तो आप 2-3 महीने फ्रूट्स वेजिटेबल्स पानी उसका इंटेक हेल्दी डाइट, वो जितना डाइट। तुम्हारी स्किन बहुत प्यारी है, उसकी रीज़न क्या है कि तुम क्या खुराक में खाती हो? मैं खुराक ही अच्छी लेती हूँ, मतलब मैं अपने आप को डिप्राइव नहीं करती। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, वेजिटेबल्स खाती हूँ, हर चीज़ हेल्दी, ओट्स वगैरह जो भी डाइट है वो कोशिश करती हूँ। कुछ चीट डेज हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं हमारे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं अभी सरह से ये डिस्कस कर रही थी, वो कह रही थी मुझे याद है आप 4 साल पहले भी शूट पे जाए, वो 3 बॉटल्स पी रही थी। अच्छा, इस वक्त मेरे पास तीनों, सुजैन की भी स्किन बहुत प्यारी है, सरह की भी स्किन प्यारी है। सुजैन तुम क्या फेशियल्स लेती हो अपने लिए? अच्छा, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती क्योंकि स्किन का मामला है, लेने के देने पड़ जाए तो मैं सिर्फ, मुझे गिनों का जो उसका जो नॉर्मल आपका उनका वाइटनिंग वाला है वो वाला ले लेती हूँ, और एक ही रखी हुई है क्योंकि आपके हाथ से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि हर किसी से फेशियल्स नहीं करवाती मैं। स्टीम वगैरह तुम नहीं लेती? नहीं, स्टीम वगैरह कुछ भी नहीं। ओके। और इसके अलावा जिस तरह फातिमा ने बोला कि डाइट आपकी बड़ी इम्पैक्ट करती है आपके फेस, आपकी पूरी बॉडी पे, तो आप पानी भी ज्यादा पिए क्योंकि पानी जितना आप पियेंगे उतना ही आपको नजर। इट्स बेसिकली योर लाइफस्टाइल चेंज ना, आपने बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपने जो इतने सालों से सब चीजें खराब की हुई है ऑल टुगेदर वन गो में तो सही नहीं हो जानी, फॉर दैट आपको अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करना है। इसमें आपका एक्सरसाइज भी आ जाती है, आपका वर्कआउट आ जाता है, आपकी जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और येट अगेन जो अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा आइडिया मैंने आपसे पिक किया है कि बहुत सारी बच्चियां एक्सरसाइज नहीं करती, नहीं करती। लेकिन अगर वो शादी से पहले उनको वो चाहिए ना ग्लो, और एक तैयारी फुल हो रही होती है, डेट फिक्स हुई है जी 6 महीने पहले, आपको पता है 6 महीने बाद आपकी शादी है, अगर आप पिलाटस या कोई इस तरह एक्सरसाइज रूटीन ज्वाइन कर लें। ये मिसकंसेप्शन है कि जिनको वेट लूज करना है भले शादी के लिए या किसी और चीज के लिए भी, तो वो ही एक्सरसाइज करेंगे। वो आपकी एक चीज, आपकी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, भले आपको वेट लूज करना है नहीं करना आपकी। अच्छा, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक मिथ बनी हुई है, एक अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि पतला होने के लिए एक्सरसाइज होती है। भाई अगर आप बहुत सूखे भी है, नहीं कहते हैं आप हैंगर टंगी हुई है और जोड़ा नहीं अच्छा लग रहा, मेकअप नहीं अच्छा लग रहा आपके ऊपर, लेकिन इसमें मैं वेट भी हल्का सा बढ़ सकता है एक्सरसाइज। हाँ जी, और जो एक्सरसाइज वर्कआउट होते हैं सबसे पहले आपकी स्किन और हेयर को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले स्किन ओवरऑल हेल्थ को स्टार्ट फीलिंग बेटर, आपका दिन अच्छा गुजरता है। आप अक्सर लोगों के किसी पता चल जाए कि आप जो वर्कआउट करते हो, तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत की बात नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन है, आप अपनी लाइफस्टाइल का उसको हिस्सा बनाएं। और आपकी क्या कहती सुजैना? मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को जिम जाना अलाउ नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, तो मेरी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं यही करती हूँ, मैं जिम नहीं करती, मैं योगा करती हूँ। ओ, घर में ही योगा, स्मार्ट टीवी पे लगा के या मोबाइल पे लगा, वीडियोस लगा लें या यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है कि अगर आपने छोड़ दी ना तो आपकी बॉडी ऐसे जाती है। और हमारी खावतीन ऐसी हैं कि जहरे वो जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको देखना है तो टाइम नहीं है। तो योगा, अब जैसे सेरा, सेरा भी इतनी मजे की चीज करती है, सेरा जो है डांस करती है, और वो हमेशा इसको जो है देखे ना इसकी स्किन भी की वीडियोस भी काफी वायरल हुई है, वीडियोस की बहुत अमेजिंग। तो ये अपनी अपनी डाइट का तो ख्याल रखती है, बहुत हेल्दी खाती है, मगर वो जो जो डांस करती है उसकी वजह से वो बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पे ही घर पे ही कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ आपके पास दोबारा आऊंगी, ये लुक तैयार है जी, ये डन हो गया है। इसमें हम लोग ने जो है जो हम सिग्नेचर अपने ब्राइडल मेकओवर कर रहे हैं मेकअप जी। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा लिड एरिया में हमने पिगमेंट भी थोड़ा ग्लिटर को जो हमने थोड़ा सा कोर्स पिगमेंट यूज़ किया है, बाकी में हमने अर्बन डिके यूज़ किया था, वो थोड़ा फाइन पिगमेंट था, और इसमें जो है ब्राइडल लुक के लिए जो है हमने कोर्स पिगमेंट हमने मैक का जो है वो ग्लिटर यूज़ किया है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो 3 हमारे पास ब्राइडल लुक है,
यहाँ ये वाली जो लुक है मुझे लगता है सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है, जिसमें ग्लिटर भी है आंखों में, एक ब्राइट लिपस्टिक भी है। फिर अगर मैं उससे कम में आती हूँ तो ये आ गई ये वाली, डराओ नहीं, सॉरी, ब्राइट लुक। अब आप इनका देख सकते हैं, लाइक इससे कम में आती है, तो आप इसकी आंखें देखें, काजल भी है। ये वाला कौन सा ग्लिटर है जो इनके ऊपर लगाया है? आंखें बंद करो। ये भी मैक का और अर्बन डिके का मिक्स किया है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग जो ग्लिटर के भी पिगमेंट्स होते हैं ना, तीन चार कलर को मिक्स करते हैं कि शेड का किस कलर का काम हुआ है, तो हम उस हिसाब से पिक करते हैं। ओके, स्पेसिफिक शेड नहीं होता, तीन चार कलर मिक्स करते हैं ग्लिटर के। अच्छा, तो अब वहाँ ग्लिटर का लेवल जो है वो इस आंख में थोड़ा और कम है, शेड गोल्डन का डिफरेंट है, लिपस्टिक का शेड थोड़ा डिफरेंट है, तो वो एक आपको ये वाला भी लुक मिल गया। क्योंकि देखिए ब्राइड्स के लुक थोड़े बहुत 19-20 एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो रेड के ही टोन में मरून और उसके ही रंग में रह रहा होता है, थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाता है बस। हाँ हाँ, और तीसरा जो लुक है वो फातिमा का लुक है। अगर आप देखें कि फातिमा तुम थोड़ा उधर फोकस करोगे, अगर तो फातिमा का जो लुक है उसमें आप देखें ग्लिटर आंखों में कम है, लिपस्टिक का की डार्कनेस उतनी नहीं है जितनी इन दोनों की है, तो आप अपने मूड को, आप अपने ऊपर सूट करने वाली चीज़ को आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर क्या चीज़ है। और एक चीज़ और डिफरेंट है, फातिमा के वाटरलाइन पे हमने थोड़ा सा वाइट और आइवरी शेड दिया है, इनके हमने आईज पे जो है काजल का शेड दिया, और यहाँ पे कंजा की आईज पे हमने कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, देखो अपनी आंखें खोलो, अंडर वाटरलाइन पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कंजा जो है इसकी आंखों पे आपने जो वो लगाई ना ग्लिटर, exactly. उससे मजा आ रहा है, फोकस जा रहा है। एग्जैक्टली, तो अगेन जो हम बात करते हैं सना साज पे, हम बहुत बैलेंस मेकअप करते हैं कि अगर हम किसी चीज को ज्यादा एनहांस करें तो बाकी चीजें हम मेकिंग श्योर कि हम उसको जरा सटल रखें। आपको लगता है अगर आप कंजा पे जिस तरह ये काजल इनको लगाया वो लगा दी थी तो वो थोड़ा ओवरडू हो जाता है ना, हमने इनका लिप कलर भी बहुत वाइब्रेंट यूज किया अगर आप देखें तो। हां, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में आपको पता होना चाहिए आपने कहां ब्रेक लगाना है, मतलब कहां पे आपने रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, ये नहीं कि सब कुछ करते। और वो एक्चुअली एक टेक्निक जो अच्छी फीचर समझता है बंदा या बंदी मेकअप आर्टिस्ट, उसको पता होता है कहाँ पे रुकना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारी होने वाली ब्राइड्स हैं या शादी जिनकी नज़दीक है, जैसे मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में सवाल किया था स्किन का, कि भी स्किन के लिए क्या तैयारियां हैं, तो आप लोगों के पास कौन कौन सी ब्रांड्स के फेशियल जो अवेल किए जा सकते हैं? हम लोग के पास फेशियल्स में कंप्लीट वैरायटी, जो जो ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं ऑल टुगेदर, वो सारी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें गिनो है, गिनो के मशीनरी फेशियल्स जितने भी हैं, ऑब्वियसली मशीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, प्लस उसकी जो ऑपरेट करने वाली बंदी है वो नॉर्मल कोई बंदी नहीं होती, वो स्पेसिफिकली ट्रेंड होती है, गिनो की कंपनी ही वाले आन के उनको ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे होते हैं और वो एक्जैक्टली अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप फेशियल्स कर रही होती है। अदर देन दैट वी हैव अदर ब्रांड्स एज वेल, लाइक अच्छा एक आपने मुझे भी बताया था ब्रेक में कि आपके पास हाइड्रा फेशियल होता है, जो कि अक्सर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास देखा है क्योंकि वो मशीन एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव, सैलॉन्स में नहीं, वी डू हैव, आपके पास है? वी डू हैव, वी मेक श्योर सना साराज के जितनी भी लेटेस्ट, चाहे वो मेकअप हो, चाहे हेयर हो या स्किन हो, हम हर चीज बिल्कुल जो कटिंग एज, जो पाकिस्तान में सबसे लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है, इधर इट्स फॉर हेयर और स्किन और मेकअप, वी मेक श्योर कि हमारे पास वो हो। हाइड्रा फेशियल से क्या फायदा होता है, लाइक वो मशीन से होता है? हाँ जी बिल्कुल, वो जेल्स होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जेल्स होती है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन में किस चीज़ के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, अगर हाइड्रेशन इशू है या आपकी टू टोन स्किन है तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है, वो वाली जेल स्पेसिफाई मशीन से यूज़ की जाती है। यस, मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव लेकिन वी कीप इट एंड वी मेक श्योर कि जो मार्केट में मशीनरी फेशियल्स के प्राइसेस हैं उसे हम बहुत कम, कंपैरेटिवली बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ तो 10-15 मिनट में फारिग कर देता है, क्या आप उसको एज आपके पास सैलॉन है तो क्या आप उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि सैलॉन पे है तो अच्छा जी मसाज, क्योंकि वो तो मुझे याद है 15 मिनट में गाइड हुआ। इसमें हाइड्रा फेशियल में स्पेसिफिकली गिनो की रेंज अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक जेल्स हैं, हमारे पास आई क्रीम्स हैं। ये हाइड्रा फेशियल दूसरा है, गिनो वाला नहीं पूछ रही। अच्छा, जनरल हाइड्रा फेशियल के अंदर भी बताएं जो हमारे पास कंप्लीट रेंज है, इसमें हम नेक को भी कवर करते हैं, अंडर आई को भी, पफी आईज को भी कवर करते हैं, रिंकल्स को भी कवर करते हैं। अदर देन दैट जो चेरी ऑन टॉप होता है जिसमें हमारी लेडीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, दैट इज द मसाज, तो जो उसको लॉक करते हैं वो मसाज, जो रिलैक्सिंग मसाज होता है, वी मेक श्योर कि हम उसको अपने क्लाइंट को प्रॉपरली मसाज देके जो है रिलैक्स करें। द पॉइंट इज कि सी वी मेक श्योर सना साज, और हमेशा से इट्स बीन जस्ट 5 इयर्स दैट वी आर इनटू दिस मार्केट, पर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। द रीजन, ओनली रीजन इज कि हम चाहे मेकअप हेयर स्किन हो, वी मेक श्योर कि हर चीज लेटेस्ट हो, कटिंग एज हो, जो जो बंदा कर रहा हो वो करने में एक्सपर्ट हो और जो प्रोडक्ट यूज हो रही हो ऑथेंटिक हो। अच्छा, अब एक और सवाल करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अक्सर देखा है बच्चों की शादी नजदीक है ना, ओके जी बाल भी डाई करा लिए, पता नहीं क्या, किसी ने कर्ल्स करवा लिए, किसी ने स्ट्रेट करवा लिए, आप
क्या मशवरा देती हैं कि अब बच्चियों की शादी अगर होने वाली है और उन्हें ब्राइड बनना है तो उन्होंने हेयर डाई कैसा करवाना है, कितने दिन पे कराना है, बाल कौन से केमिकल जो सारे आजकल चल रहे हैं वो क्या क्या आप सजेशन देती हैं? मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कलर्स जो है ना ओबियसली वो आप देखें आप कितना कैरी कर सकते हैं, अगर आप बहुत लाइट कलर भी कैरी कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली तो आप वो करें, अगर आप जो जिस हद तक आप कैरी कर सकते हैं आप उस हद तक कलर्स पे जाएं। अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है कि आजकल जो बहुत लेटेस्ट है दैट इज़ लाइक जो कैरेटिन ट्रीटमेंट है विच इज़ वेरी गुड, मैंने भी वही कराया बालों में, उसमें होता है कि आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं। कैरेटिन बेसिकली हमारे हेयर का जो हेयर बनता ही कैरेटिन से, तो अगर एक्स्ट्रा कैरेटिन डिपॉजिट हो रहा होता है तो हेयर के लिए वो एक बेहतर होता है, इट्स नॉट अ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, इससे आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं। आपने अब कैरेटिन करा जी तो आपको ब्लो ड्राई और वो सब कराने की जरूरत नहीं है। प्लस ये कि साफ नहाए धुले अब नई नई शादी हुई है, इट्स नॉट अ केमिकल, इट्स बेसिकली अ फूड फॉर योर हेयर और एंटी फ्रिज, आपको फ्रिज कंट्रोल करता है आपके बालों को स्मूथिंग। हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, पीपल रिलेट एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग एंड कैरेटिन इन द सेम कैटेगरी, उनको लगता है कि वो डेड परमानेंट स्ट्रेटनिंग है विच इज लाइक सही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है ऑल टुगेदर। कैरेटिन इज अ जस्ट अ प्रोसीजर फॉर योर हेयर केयर और जो कि एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट है। ओके अच्छा मैं तुम तीनों से पूछना चाहूंगी, क्या तुम लोग बालों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करती हो? हाँ सिरा बहुत ज्यादा नहीं, तुम मतलब लाइक कलर चेंज करना ये वो बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि ड्रामों में तो तुम लोगों को जाहिर है ज्यादा डार्क बाल ही चाहिए होते हैं, नहीं फिर महसूस की बनना होता है, बाल छोटे कर लो तो बड़े बड़े चाहिए, बड़े करो तो छोटे चाहिए, प्लान कर लो ना चेंज करना है कलर तो कुछ कुछ आ जाता है। तुम लोग ज्यादातर डार्क कलर ही प्रेफर करते हो, तुम करती हो एक्सपेरिमेंट? बहुत दिल करता है मेरा, दिल हर प्रोजेक्ट से पहले सोचती हूँ अच्छा अब इसमें कलर चेंज कराते हैं, छोड़ो अभी डैमेज होंगे अगले में जो है ना, फिर मैं सोचती हूँ नहीं उससे अगले में इस तरह से। केराटिन मैंने कराया था एक साल पहले, इट वाज रियली गुड, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर इट अगेन, बहुत अच्छे आपके बाल हो जाते हैं उससे। इसमें लेकिन इसमें ये होता है कि हम लोग को जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करनी पड़ती है, कर्ल्स और वो सब कुछ, तो उसमें केराटिन अक्सर ये होता है कि उस तरह नहीं रहता जिस तरह हम लोग के बाल जिस तरह होते हैं ट्रीट वो। लेकिन स्पेसिफिकली आप लोग को तो ज़्यादा कराना चाहिए बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा कहना का मकसद Exactly. तो फिर वो जब कर्ल करेगी तो वो स्टे नहीं करेगा, मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं जल्दी से। लेकिन उसमें ये कि आप लोग जिस तरह से आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होती है एज अ लेमन जो कि बाकी लोगों की नहीं होती, तो आप लोग एटलीस्ट सिक्स मंथ्स में आप लोगों को करा लेना चाहिए। ओके अब आ जाओ बहुत बैठ ली दुल्हन, चलो खड़ी हो जाओ तुम, तो हम एक साथ आपको तीनों फातिमा की लुक, इनकी लुक, किंजा की और इनकी लुक जो है किसके हाँ देखिए अगर हम अगले सेगमेंट में लगा दें। अब फातिमा तुम्हारा सबसे सॉफ्ट लुक है ना, हाँ तो यहाँ पे आ जाओ। ओके अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सॉफ्टर लुक एंड देन मैं इसको मीडियम लुक में ले जा रही हूँ, हालांकि मुझे वो भी मीडियम लग रही है कंजा भी, मगर आपको एक तीन वैरायटी एक साथ ब्राइडल की मिल रही है, ठीक है? तो ये हमारी ब्राइडल लुक है। अब रह गए वलीमा, सुजैन तुम तैयार हो? वलीमा, तीन डिफरेंट वलीमा लुक्स हम आपको अगले सेगमेंट में दिखाएंगे और एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या है, मतलब कि दुल्हन जो है वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगे, उसको महकना भी चाहिए, इसी से रिलेटेड एक सरप्राइज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, सना सारा सैलून के आप अलग अलग थ्री लुक्स देख रहे हैं फॉर मेहंदी, शादी एंड वलेमा। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग जगमगाती मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इतनी सारी दुल्हन अंडर वन रूफ। जी हाँ, बहुत हमारी ख़वातीन को तो मज़ा भी आता है दुल्हन देखने को, और बहुत सारे लोग शादी में शिरकत ही दुल्हन देखने की लालच में करते हैं कि दुल्हन को देखें कैसी लग रही है, चेंज लग रही है आपकी बेटी जो आपके सामने पली बड़ी वो दुल्हन के रूप में इतनी हसीन और प्यारी लग रही है। तो यहाँ सना सारा सैलून से आपने लुक्स देखे अभी तक मेहंदी के और बारात के, अब हम चल रहे हैं वलीमा लुक की तरफ। एक वलीमा लुक जो है आपने सुजैन की शक्ल में देखा है, एक वैरायटी आपको नजर आएगी। यहाँ दो और लुक्स हम दिखाना चाहते हैं सना सारा सैलून की वलीमा लुक्स, आइए। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई।
कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बंजारों तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया मैं समझा टल गया दिल जो था कल गया कैसे फिर दे गया ये दगा कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा ओके अब मैं वलीमा लुक्स पे फोकस करना चाहूंगी आप तीन डिफरेंट वलीमा लुक्स देख रहे हैं जहाँ जो अगर लाइक मैं एज व्यूअर नेकेड आई से देख रही हूँ तो मुझे सबसे सॉफ्टर मेकअप जो है वो ये वाला लग रहा है आप देख सकते हैं बहुत सारी लड़कियों को वलीमे पे नहीं इनका थोड़ा सा और आगे आओगी लाइट लो अपने फेस पे हाँ इनका मेकअप बहुत सॉफ्ट है जिनको लड़कियों को है कि हमें डिफरेंट लगना है वलीमे में और फ्रेश लगना है वो वाला एक आँखें बंद करो एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं ब्रॉन्जी ब्रॉन्ज कहेंगे ना शिमरी आईज शिमरी ब्रॉन्जी डार्क कॉर्नर्स है ना एंड डार्क सटल मेकअप जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं फिर जो मैं मीडियम वाला मेकअप कहूँगी मैं दोनों में कंफ्यूज तो आंखें खोलो ये वाला मीडियम मेकअप हाँ अब अगर थोड़ा सा और आप बढ़ाते हैं मेकअप को अच्छा हमें थोड़ा सा और डार्क आईज चाहिए तो और काजल नहीं चाहिए तो आपको एक दूसरा लुक यहाँ ये नज़र आ रहा है जिसको मैं कहूँगी कि अच्छा बहुत सॉफ्ट भी नहीं है बहुत तेज़ भी नहीं है थोड़ा हाँ उसके मुकाबले में हल्का सा नहीं मैट तो नहीं है है शिमर तो है फेस पे लेकिन आंखों पे शिमर नहीं है लिड एरिया पे हमने सॉफ्ट स्मोकी हाँ अब होता है ना बहुत सारी ब्राइड्स कहती हैं हमारे ऊपर शिमर सूट नहीं करता exactly. तो उनके लिए एक ये आइडिया है कि मैट है और उसके अलावा शादी पे ऑलरेडी वो शिमरी और ग्लिटरी आईज ले चुकी होती है तो दे जस्ट वांट एग्जैक्टली अ डिफरेंट लुक दैट्स व्हाई दे प्रेफर सॉफ्ट स्मोकी आईज बिल्कुल अब हम सुजैन के मेकअप पे अगर फोकस करें सुजैन की उस पर हमने काजल भी दिया है और अपना आँखों के ऊपर एक स्मोकी लुक भी है एक मॉडल लुक जो है वो प्रॉपर आ रही है विद काजल एंड एवरीथिंग तो लेकिन फिर भी इन्होंने ये मेकअप भी स्मोकी भी सेटल्ड रखा है वरना बहुत सारे लोगों की मैंने देखे काली आँखें होती हैं बिल्कुल ब्लैक तो आपके पास तीन मुख्तलिफ लुक्स तीन मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स अक्सर वलीमे पे बाल खुले होते हैं तो दोनों तरफ से बाल आगे रखे हैं सजैन के इनके जो है एक ब्राइड के एक तरफ से बाल आगे रखे और अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं है बाल आगे रखना तो जो तीसरी वाली ब्राइड है मैं इनको दिखाना चाहूँगी दो थोड़ा सा पीछे मुड़ो कि तुम आप इनका हेयरडू देखें कि प्रॉपर बाल खुले हुए हैं ब्रेड के साथ स्टाइलिंग की हुई है तो वो आपके पास तीन ऑप्शन है सर पे दुपट्टा भी रखते हैं कुछ लोग रिसेप्शन पे सर पे दुपट्टा नहीं भी रखते तो आपके पास ये तीन आइडियाज़ हैं ओके सॉरी मूविंग ऑन कि आप जो ये खूबसूरत जोड़े देख रहे हैं मेहंदी एंड बारात के जो ड्रेसेस हैं वो सादिया सुमेर डिज़ाइनर हैं उनकी तरफ से हैं एंड वलीमे के जो आप कपड़े देख रहे हैं वो हैं माई अपैरल्स की तरफ से तो ये है और ज्वेलरी का बताना है जी आमिर शाह की तरफ से ज्वेलरी है ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत है बहुत ज़रूरी है कि मेकअप एक और कपड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ऑल टुगेदर जो लुक बनती है वो ड्रेस ज्वेलरी इवन द
पर्सनैलिटी ऑफ द ब्राइड ऑल्सो ये ब्राइड कैरी कैसे करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक इसमें सजेशन देना चाहूँगी, बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं जो इतनी प्यारी होती हैं लेकिन वो सीटें बैठ कर रश हो जाती हैं. व्हेन वे आस्क देम क्यों मेरे ऐसे कपड़े आ गए, मेरी ऐसी ज्वेलरी आ गई, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जितने भी इन लॉज हैं कि जो भी बजट से उन लड़कियों को बता दें, मतलब उनका देना है तो उनको अपनी चॉइस से चीज़ें लेने हैं. दैट्स लाइक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं सिर्फ ससुराल वालों से नहीं, मैं मैके वालों से भी कहूँगी, अब उनका जोड़ा आ गया है, मैके वालों की जो खाला पुप्पी चाची होती हैं वो यार बहुत बुरा है, अब आप बच्ची का दिल और बुरा ना करें. अच्छा, आपको भी कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस. और उसमें जब अब जो आ गया है वो आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें. हाँ. क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप अपनी मर्जी से ही सारी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो बेटर आपका अगर आप पहन लेंगे तो कोई मसला नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लड़कियाँ बड़े सेटल मेकअप उनको चाहिए होता है, वो इतनी खुश होती हैं न्यूड लिप्स के साथ, पर जैसे उनको कोई लेना आता है उनकी अम्मी खाला पुप्पी ये क्या किया हुआ है, रेड लिप्स नहीं किए, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, लड़की रोती हूँ, नहीं किया मैं अच्छी नहीं लग रही. आप उनको समझाते हैं भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है, जी मुझे तो लग रहा है लेकिन बाकी सब अम्मी और खाला और सब कह रहे हैं बहुत बुरी लग रही है, दुल्हन ही नहीं लग रही है तो पैसे जाया हो गए ना तो कोई मेकअप ही नहीं. और ये खाला चची फूफी अक्सर शादी पे रेड ही पहन के आती है ताकि दुल्हन जैसी लगे, मोस्टली ऐसा मैंने देखा है. हाँ बोलो बोलो. मैं ये कह रही हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि ब्राइडल के लिए एक बार स्पेशल डे होता है तो उसकी ब्राइड चीज भी अलग से होनी चाहिए ताकि पता लगे कि ब्राइडल है. फिलहाल तो इसलिए किसी की सुनी नहीं, उसने बोला जो मैं जिस तरह तैयार होंगी. ओके जी, अब सरप्राइज जो हम आपको कह रहे थे वो हम आपको सरप्राइज रिवील करें और उसके बाद ये दोनों सना और सारा दुल्हन की हाइजीन के ऊपर बात करेंगी कि ये जिस पे फोकस नहीं होता ये कितना ज़रूरी है. लड़की का फर्स्ट इम्प्रेशन उसके ससुराल घर वालों पे पड़ा होता है. मैं तो बच्चियों को बोलती हूँ ट्रेनिंग करें, क्योंकि बच्ची जब जवान हो रही होती है उसके अंदर एक हॉर्मोन्स की वजह से मुख्तलिफ डेवलप हो रही होती हैं, पसीने में स्मेल और ये वो, तो बच्चियों के लिए ये हाइजीन कितनी ज़रूरी है. पहले सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं क्योंकि ये वो हाइजीन से ही रिलेटेड है और ग्लैमर से ही रिलेटेड है. जी सना सारा ओवर टू यू. Should we move? Move कह रही हूँ. आगे चले उर्दू इंग्लिश मिला दी, move करें. हाँ जी, हर क्लास की बच्चियों के लिए जो अफोर्डेबिलिटी के साथ वो अपने आप को खूबसूरती के साथ साथ खुशबू से भी महका सकती हैं, सना सारा सैलून की तरफ से जो परफ्यूम लॉन्च हो रहा है उसका नाम बताइए भाई. ऑलराइट, अगेन जिस तरह से आपने स्कर किया कि हमारे लिए अंडर द रूफ है सना साराज, वी मेक श्योर कि हम जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इट शुड बी ऑफ क्वालिटी येट अफोर्डेबिलिटी भी हो उसके साथ. तो हमने फ्रेग्रेंसेस लॉन्चेस किए हैं अंडर द रूफ ऑफ सना साराज और नाम हमने इनिशियल जो भी हमने 2 SKU से स्टार्ट किया है और वो उसमें हमने अपने सना और सारा को ही नेम दिया है. यूजली हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग, तो शी यूजली कॉल मी डायनामिक एंड सना मुझे सना बहुत जेस्टफुल लगती है, तो हमने इसी को अपने एडजेक्टिव्स को ही लेके आगे मूविंग फॉरवर्ड अपने प्रोडक्ट नेम दिया है. सना का जो परफ्यूम है वो दैट इज़ जेस्टफुल सना एंड मेरा जो है वो डायनामिक सारा है. अच्छा, सना के परफ्यूम्स के जो हमने जो नोट्स रखे हैं वो है सना की जो है मस्की फ्लोरल है. अच्छा, और जो मेरे जेस्टफुल सना है जेस्टफुल सना है वो मस्की फ्लोरल है. एग्जैक्टली, जो थोड़ी सी फ्रेग्रेंस मस्की फ्लोरल जो पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली ओरिएंटल सॉर्ट वो उस तरह की स्मेल इस परफ्यूम की और इस बेसिकली इस कैटेगरी ऑफ परफ्यूम की जो लास्टिंग है वो एशिया हमारा जो वेदर है उसमें बहुत ज्यादा है. अच्छा अच्छा. और सेकेंडली जो मेरे आपका डायनामिक सारा यार बड़ा मजे की बात है. यस, और तो उसमें जो है हमने फ्रूटी फ्लोरल दिया है. दोनों में हमने वेरिएशंस रखी हैं, अगेन जैसे हमने मेकअप में वेरिएशन रखी है इसी तरह हमने चॉइस ऑफ फ्रेग्रेंसेस में भी हमने वेरिएशंस रखी है ताकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं किसी की फ्रूटी फ्लोरल चॉइस होती है किसी की मस्की फ्लोरल होती है, तो उन दोनों कैटेगरीज को हमने जो है वो कैटर किया. प्राइस भी थोड़ा मेंशन कर दे ताकि लोगों को पता चले. यस, अभी वी आर जस्ट इन अ सॉफ्ट लॉन्च फेज. हमने निदा के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने सॉफ्ट लॉन्च किया है, रिवील किया है. इट्स इन प्रोडक्शन फेज. हम यूरोप से इसकी फ्रेग्रेंस ले रहे हैं और प्रोडक्शन हमारी यूएई दुबई में हो रही है. रिटेल प्राइस जो होगी हमारी 2800 होगी और जो है इट्स अ ट्रीट फॉर आर क्लाइंट. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस परफ्यूम बट हम चाहते हैं कि जैसे ब्राइड्स मेकअप अच्छा कैरी करती हैं हमारे सना सारास के प्लेटफॉर्म से तो वो फ्रेग्रेंसेस भी हमसे लेके जाएं. अब बेसिकली जो इसके एसेंशियल ऑयल्स हैं वी आर इंपोर्टेड फ्रॉम लाइक हम यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी अच्छी ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स में जो ऑयल्स डल रहे होते हैं उसी कंपनी से हमने ऑयल परचेज किए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पर हो रही है यूएई में. जबरदस्त जी. तो यहाँ एक लास्ट बात, ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले जैसे मैंने डिस्कस किया
कि दुल्हनों की हमने सर्विसेज पे बात की, मेकअप पे बात की, अब दुल्हनों की हाइजीन, बच्चियों को आप क्या गाइडलाइंस देंगी फॉर देयर पर्सनल हाइजीन कि उन्होंने एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है? आई पर्सनली थिंक कि जितना अच्छा लगना ज़रूरी होता है उतना अच्छा आपको अगला बंदा जो आपसे बात कर रहा है उसको फील भी करना चाहिए. सो शुडंट बी लाइक कि आप देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट वेन लाइक समवन इज टॉकिंग टू यू तो माउथ ब्रेथ ऑब्वियसली बॉडी ऑडर इट्स लाइक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो हेयर केयर आपका जो एवरीथिंग या इवन हेयर में भी फ्रेगनेंसेज बाहर तो हेयर परफ्यूम्स भी आ रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली अभी हम उस लेवल पर नहीं गए पर एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम बॉडी ऑडर को और सारी चीज़ों को बहुत केयर करें और इसकी जितनी ऑब्वियसली जितनी हम स्किन की और अच्छा लगने की फिक्र कर रहे हैं उतनी इसकी भी फिक्र करनी चाहिए. एंड वी हैव अनदर सरप्राइज फॉर द ब्रांच एज़ वेल. यस प्लीज बताइए. अच्छा गाइस सो वी हैव अनदर सरप्राइज. एक्चुअली हमें बहुत रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आती थी जब सलोन में कोई भी विजिट करता था दैट व्हाई यू गाइस आर नॉट इन एनी अदर लाइक एरियाज ऑफ कराची. सो इनिशियली वी आर नॉट प्लानिंग एनी एक्सपेंशन नहीं प्लान थी बट सडनली इट हैपेंड. So the good news is for all the areas connecting to like North Nazibabad, Nazibabad, Feldview area and Gulbarg and like this is vicinity mein we are opening a branch in North Nazibabad inshallah. Very and soon. From December, inshallah it will be operational. Abhi wo designing phase mein hai. So this is a news for and a treat again for all of the or of our customers and clients jo ke itni dur se aate the aur unke request karte the why you guys are not there. So for them it's a surprise that yeah soon inshallah we'll be there too. Great zabardast. Is waqt jo branch is available hai wo DHA hai and Gulistan Jor. थैंक यू सुजैन फातिमा एंड सिरा. आप लोगों ने खूबसूरत दुल्हनों के रूप में आज लोगों को इस तरह भी एंटरटेन कर लिया और अब क्योंकि जब आप लोग ड्रामों में आ रहे होते तो आप तो कभी कभार सादे बिल्कुल मुँह धुले मेकअप में भी होते लेकिन यहाँ बड़े दिनों बाद आप लोगों को लोगों ने इस अटायर में ग्लैमरस अटायर में देखा है. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सना एंड सारा. थैंक यू कि आप लोगों का वाकई मेकअप बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो मैं तो ब्राइड्स को कहूँगी कि आज ही अपनी बुकिंग कराइए. अगर आपकी शादी अगले साल भी है अगले से अगले भी साल है तो आज ही अपनी बुकिंग कराइए. अगर दूल्हा नहीं मिला तो अभी बुकिंग. हाँ नहीं भी है तो कोई पार्टी मेकअप exactly. आप कांटेक्ट कर सकते हैं. बर्थडे पार्टी है कोई वैसे इवेंट है कोई एनिवर्सरी लेकिन अगले साल शादी है तो अभी से सर्विस लेना शुरू कर देना. बिल्कुल 2-3 months पहले बहुत जरूरी है. और साथ आप ये देख सकते हैं कि पार्टी मेकअप भी ये लोग कितना अच्छा कर सकते हैं. इनकी बेसिस इनके आई मेकअप से ही अंदाजा होगी. बेस्ट ऑफ लक सना एंड सारा. थैंक यू सो मच. वो इसी तरह की बहनों की जोड़ी होती है ना वो फील मेकअप में भी आती है अपनाइत मेकअप में भी आती है. तो जी ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपने सुबह सुबह इतने ग्लिट्स एंड ग्लैमर को इंजॉय किया होगा. तो भाई अगर रात को शादी है तो प्लानिंग कर लें किस तरह का मेकअप करना है. बहुत सारे आज एग्जाम्पल्स मिल गए आपको. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज़.